कि मम्मा मैं तेरे आसरा आया। बोले बेटा मेरी बात सुन ले के फूट गया तेरा गढ़ मेटता और आज से मेरे आसरा आया मेरा मेहमान बनकर आंदा तो मैं तेने राखदा लेकिन बेटे से खाड़े का चोर के मामा गिली बणजा मिलया बणजा पुचकारिया बुरी करी ने बणजे जुड़ लिया लारा मेरी बारू रेत की कांध का तन तकिया सहारा मैं दल अकबर शाह के कौन जिलन हारा ते जल्या जागर के कौन है राणा मुझे सिंह की दारा अब्दुल सत्तार अलबड़े कह राणा अब्दुल सत्तार खां का भाव तला गांव की शोभा राणा साहब की तरफ से दूल्हा के सिरे गिना के 200 रुपए अल्लाह जोड़ी पार कर अल्लाह सिरे मुबारक करे सार खां का भाग बन रहा महफिल बैठे की माली लाज रखा है इस भाग का अल्लाह चौड़े बात करे बेटा जल्दी अपने लश्कर अपने डोले गढ़ चित्तौड़ जा या मेड़ से जा या जोधपुर जा मेरे गांव की सीम खाली कर दे कदे पीछे शहनशाह अकबर ने बेरा लाग जाए के चोर जैमल गढ़कुंभा के बीच में बेटा मेरी ढाई गरा की जुग्गी धरेगा थोप का गोला मेरे गांव की ईंट की डूंगी बनेगी। मम्मा ने जिस वक्त जवाब दिया बाहर के पगड़ी पैरों में गिर दी के मामा मैंने धक्का न दे मैंने बिटा रहना डोले में बैठी हुई रानी से तुड़कौर ने देखा के भाई ने जवाब दे दिया डोले में रानी कहने लगी जिस दिन का पैदा होया और तने सुखना पाया तेरे थारे कुंडे में जमया माल दे तेरी दादी रे जाया वो तेरा चाचा माल दे जोधा बाई का डोला दे के मिल गया मरवा दिए बेटा खुशी की जनी झोल दे मम्मे के गांव पर तबर्रा भेज चाल के कह रहे हो कि चित्तौड़ चले जा राणा उदय सिंह के आश्रय राणा उदय सिंह तेरा रिश्तेदार है बेटे मारी भी रिश्तेदारी है कौन कि तेरी बुआ के बेटा अगली बस है चित्तौड़ में और बेटा तेरी बुआ के बेटे के द्वारा आसरा लेंगे चाल हाँ बोले बेबे जल्दी चली जा और गांव खाली सीम खाली कर दे बाबा 4,500 जवान 500 डोले हाडारी सिंह नाई का रामदास चारों बेटे बेरम जीत के जिस वक्त गढ़ चित्तौड़ का रास्ता पकड़िया 19 कोस गढ़कुंभा छोड़ दिया जंगल आ गया जंगल में आके कहने लगा ओ बाबा हरी सिंह कथा जा चल रहे कि बेटा गढ़ चित्तौड़ किसके पास कि तेरी बुआ का बेटा गड़ी फत्ता के पत्ता मैंने नहीं देखा मैं पत्ते नहीं देखा जिंदगी में हमारी मुलाकात होगी हमने क्या दे के मिलना चाहिए ये बेटा जो चीज इतना अच्छी लग गया बोले बात सुन मेरी यह सामने है जीड़ी इसमें लग गया शेर दोनों हाथ के केरी शेर पकड़ गए भाई पत्ते की पेशवाई में दे के मिलू तो मेरा मारवाड़ में राजपुतों में मेरा नाम हो जाए कि पत्ते की और जैमल की शेरों के साथ मुलाकात हुई सुन के बाबा आधारी सिंह बूंदी का बोले कि तो बेटा बहुत अच्छी बात है बोले फिर दिखे मैं खेलूंगा शेर का शिकार और तुम दोनों के पास रहना कौन आधारी सिंह और नायिका रामदास ये 4,500 जवान चारों भाई बीजा बनी के बीच में किस तरह शिकार खेल रहे और क्या जवाब बने रहे भाई Andrea.
ਦੇ ਸਿਰ ਬਣ ਗਏ ਰਚੁੜ ਗਏ ਥੋੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾ ਕੇ ਗਰਗਾਮ ਛੂਟ ਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਬਣਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਮ ਜਾਤ ਗਿਰਾਵਣ ਕੀ ਬੜੀ ਕਸਰ ਹੋ ਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮਨੈ ਛੋੜ ਦਈ ਰਜਦਾਨੀ ਬੋਲੇ ਕਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਪੜ ਗਏ ਬੋਲ ਕਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਰਿਚੰਦ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਦੀ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਉਠਾਵਣ ਲੱਗ ਜਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤੈਸ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਰ ਗੁੱਸੇ ਕੀ ਰਘੂਟ ਗਿਆ ਜਪ ਕੀਤਾ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਗੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੂਟ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਟਰ ਬੰਗੀ ਮਾਰਨ ਖਤਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇ ਬਿਓਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇ ਬਿਓਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੰਦੇ ਪੜ ਗਏ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗਰਭੰਗੀ ਖੇਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਥੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਾ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਮੇਰੇ ਔਰ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਰੇ ਕੇ ਮਿਟਣਾ ਉਸੀ ਮੋਢੇ ਪਰ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਰੇਖੇ ਮਿਟਣਾ ਉਸੀ ਮੋਢੇ ਪੈ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਥਾ ਬੈ ਰਾਜ ਕਰੂ ਥਾ ਅਟਰ ਗਏ ਹੁਕਮ ਪੁਗਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜਿਕੇ ਰਾਜ ਘਰਾਂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਘਰਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਕਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਘਰਾਂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਘਰਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਕੁਮਰ ਤੈ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾ ਕੋ ਕੁਛ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਇਬ ਘਰ ਬੰਗੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਛੜੇ ਜਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਹਿਕਾਰ ਮਕਸੂਦ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਠਿਕਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਲੋਹਰੀ ਆਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋ ਥੋੜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਰਗਾਮ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਤੰਤਾਂ ਪੈ ਰਾਜ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਤੰਤਾਂ ਪੈ ਰਾਜ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜ ਗਏ ਛੜੇ ਰਾਣਾ ਆਸ਼ਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾ ਲਾ ਸਭ ਬੈਠੇ ਕੀ ਲਾ ਰਾਣਾ ਆਸ਼ਫ ਖਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਅੱਲਾ ਭਾਗ ਬਣੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਏ
राणा ने एक मम्मद खां का भाग गली काम की शोभा 100 रुपए दूल्हा के सिरे के ना के लबाग बनाए रखा है। मैं भी बैटिंग बनी डाल रखा है अल्लाह बनाए रखा है। कप्तान साहब का भाग रियासत अली खां का भाग अल्लाह बनाए रखा है। तलाकाम की शोभा 200 दिए पहले 200 और 400 रुपए दूल्हा के सिरे के ना के अल्लाह भाग बनाए रखा है। मोहम्मद सलीम का भाग 50 दिए पहले 50 और 100 रुपए तलाकाम की शोभा अल्लाह भाग बनाए रखा है। मैं फिर बैठे की माली लाद रखा है इस भाग तला चुका भाग 100 रुपए सरदार मोहम्मद चावल सूबेदार सरदार सरदार मोहम्मद का भाग सभा बैठे की लाज सरदार खां की तरफ है 100 रुपए दूल्हा के सेरे के ना के चांग गाम की शोभा अल्लाह भाग बनाए रखे महफिल बैठे की लाज चंदी के बाद अल्लाह सलाम राणा मोहम्मद असलम अशरफ खान का भाग सभा बैठे इलाज अशरफ खान है दूल्हा के सेरे के नाम के 100 रुपए तलाकाम की शोभा अल्लाह सलामत रखे भाग बने इलाज राणा इकबाल खान का भाग सभा बैठे इलाज तलाकाम की शोभा अल्लाह बनाए रखा है 100 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह इकबाल खान का भाग बना रहे अल्लाह जो इकबाल सईद अख्तर खान का भाग सब बैठे की लाद 100 रुपए सईद खान की तरफ अल्लाह सलामत रखा है तलाकाम की शोभा अल्लाह सलामत रखा है। साढ़े 4,000 जवान दोनों के ऊपर छोड़ दिया हरी सिंह और नाई का रामदास चारों भाई जिस वगैरह जीड़ी में पहुंचे ठंडे ठंडे पानी का चश्मा पड़ रहा बोले रे भाई उरे 2 घंटे आराम करके चल लेंगे खेलन चले राजपूत जीड़ी न चले जमिल के संग में राजपूत वो मर्द मुछल्ले जिंदे के ही पकड़ गए भाई जिंदे पिंजरे में गले जमिल की बोतल खुली शराब की रे चाल प्याले
नशा लुट गया, चारों भाइयों की चप्पड़ के बाजी लाट दी। और जो राजपूत दिल्ली थे जवान, घोड़ों तक का टितार दार कर रख दी। उस जीड़ी के अंदर जो लोग काश्त करा कर दे, उनके एक हाथ में कस्सी, वहां यार ये लश्कर किसका आया? पूछा भाई ये फौज किसकी है, ये लश्कर किसका? बोले भाई कौन सुना गया, अल्लाह बनाए रखा है अपना अब्दुल रशीद खान, अल्लाह बनाए रखा है कोलावास की शोभा, अब्दुल रशीद खां का भाग, उरबल्लू अदरीस खां का भाग, बाबा ताजे खां का भाग बना सारी पीढ़ी। ये तो मेरा 50 साल का घर है, अल्लाह बनाए रखा है, अल्लाह बनाए रखा है बाबा ताजे का, अदरीस खां का, बाबा बल्लू का परिवार बना रहे दूल्हा के शेरे के नाम के 500 रूपए, अल्लाह भाग बने रखा है। महफिल बैठे की लाज कोलावास की शोभा, महफिल बैठे की माली लाज रखा है। मोहम्मद जब्बार खां का भाग, बैसी गांव की शोभा, अल्लाह भाग बना रखे, महफिल बैठे की माली लाज रखा है। दूल्हा के शेरे के नाम के 100 रूपए, अल्लाह जोड़ी पार तार, अल्लाह शेरे मुबारक करे। अच्छा बाबा, खबर नहीं रही किसी बात की। इतने मैंने सरदारों जासूस सरकारे चले आए, उन्होंने पूछा भाई ये डोले किसके हैं? कि जैमल महाराज के कित जाएंगे के गढ़ चित्तौड़। हलकारों ने सुन के इतनी बात, मारी घोड़े का ठोकर जोधपुर के अंदर आके धोई माल दे तो बताया कि माल दे तेरा भतीजा लग रहा कि ठाने की हो। कोलावास की शोभा, राम अनवर खां का भाग, सभा बैठे की लाज, अल्लाह बनाए रखे 100 रूपए, दूल्हा के शेरे के नाम के अनवर खां का भाग बना रहा है। कोलावास की शोभा, महफिल बैठे की माली लाज रखे, अल्लाह सलामत रखे। दो ही बोलिया माल दे रख, कित गया के चित्तौड़, कि गया तो नहीं, कि नहीं रस्ते के बीच में रुक रहा। और माल दे का दीवान खत्री बाणिया बोलिया, अरे माल दे मौकर वक्त है क्या के मामा फुफी के भाइयों की जिंदगी में कभी मुलाकात हुई कि नहीं? मतलब इस मुलाकात में कर दे काम कैसा कि भला हलकारे ने जो मैं तने कहूं वह लिख दे। हाँ दो ही माल दे लेकर कागज कलम हाथ में, एक अग्नि फत्ते के नाम एक परवाना लिखा है। उस परवाने में क्या दोखर क्या दगा लिखा भाई, चूड़ी मोल ले लो सकियो, चूड़ी मोल ले लो सकियो, अपने अपने ध्यान की ओ दूर तैन आया ले रहा असली पाकिस्तान की, अपने अपने ध्यान की दूर तैन आया ले रहा असली पाकिस्तान की। हरी गुलाबी लाल पीली इनका रंग ढंग न्यारा से, चूड़ी वाए पहरे की जिसने अपना भाई प्यारा से, ए बालम के सुहाग हुसैन, बालम के सुहाग हुसैन, यारी ते सहजान की दूर से मैं आया मेरा असली पाकिस्तान की, मोल ले लो सखियो। होली पहरी लो खालो पीलो दुनिया आनी जानी, या दुनिया आनी जानी, ये दो दिन की या मस्त जवानी नहीं बोड़ के बहानी, आज सजे या जवानी सजे जवानी
सज जवानी चूड़िया ते मिल जाए बात समझान की मेरा असली पाकिस्तान की ले लो सचियो कोई अठारह वर्ष की कोई सत्रह की पंद्रह में आ रही कोई मुकलाई कोई दूसरे कोई मुकलाई कोई दूसरे कोई तीसरा यारी मेरे पे बुढ़िया के मतलब की कोना मेरे बुढ़िया मतलब की कोना मैं ले रहा खास जुआन की दूर मेरा असली पाकिस्तान की नहीं बात घनी शर्माने की हाथ दे जो बात नहीं शर्मावन की कदे कदे मारा आना हो सै कोई गरी हो आने हमारी खतरदारी करनी चाहिए हे खतरदारी करनी चाहिए पर असली पाकिस्तान की बोल ले लो सखियो कह बसीर जोगी बढ़िया चूड़ी शहर जंगी ते लाया बसीर बढ़िया चूड़ी शहर जंग तन लाया हंडे मीने और बिजली की छाट छाट रंग लाया ए हंडे मीने बिजली की मैं छाट छाट रंग लाया और इकबाल सलीम ने शामिल कर दिए इकबाल सलीम ने शामिल कर ली हरंगेट मुल्तान की दूर तन असली पाकिस्तान राणा इकबाल खां का भाव सभा बैठे की लाज राणा इकबाल ने 100 रुपए दिए पहले 100 रुपए हो 200 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के इकबाल खां का भाग बन रहे महफिल बैठे की लाज कप्तान अपना रस्त अली खां का भाग सभा बैठे की लाज 400 दिए पहले 200 रुपए और 600 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह जोड़ी पाल पा अल्लाह सेरे बनाए रखे अल्लाह बनाए रखे राणा मोहम्मद सत्तार खां का भाग सभा बैठे की लाज अल्लाह बनाए रखे 200 दिए पहले एक मिनट 200 दिए पहले और 200 रुपए और 400 रुपए तूला के सेरे के नाम के पानी बेचे जिसके कभी आ नहीं जाए बहुत गाय मेरे इकबाल को मेरा पानी बेच रही हूँ अल्लाह बनाए रखे मुंह से जाट का भाग बना रहे अल्लाह बनाए रखे मुंह से जाट ने दूल्हा के सेरे के नाम के 100 रुपए अल्लाह जोड़ी पार तारा मैं फिर बैठे इलाज इस बात का अल्लाह चुना भाग कर Thank you.
بڑیے نے کہا لکھ دے کہ آج موقع وقت ہے دونوں بھائیوں کا، بجے تلوار بجے کھنڈا تو جھڑی کے بیچ میں مزہ آ جائے. او ہو سردار وہاں کہا کہ چگل خور آرام ہے، کہے چگل کی بات، چگل خور کا کچھ نہ کرو، اس کا کٹو ناک کالا منہ کرا کر کالا گرد چڑھا کے گام کے چگر دے بھراو ہے، کہے گردر کمرا چگل خور کے پوت مریو جیو چگل خور کی دی خسم زسبارا کریو. واہ سبا بیٹھے گلا شہید اختر نے 200 روپے دیے پہلے اور 250 روپے دلہا کے سیرے کے نام کے. رانا اقبال خان کا بھاگ سب بیٹھے کی لات، رانا اقبال نے 400 دیے پہلے اور 50 روپے اور دلہا کے سیرے کے نام کے. پرویز اختر خان کا بھاگ سب بیٹھے کی لات، کون سا نام تلا گام کی شوبھا اللہ بنائے رکھا ہے. پرویز اختر نے دولہا کے سیرے کے نام کے 500 روپے اللہ جوڑی پارتا رہے، اللہ سیرے مبارک کرے. پرویز اختر کی عزت آبرو بنائے رکھا ہے، محفل بیٹھے کی مانی لاز رکھے. رانا انور خان کا بھاگ سبا بیٹھے کی لاز، رانا صاحب نے 100 دیے پہلے، 100 روپیے ہو 200 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے. اللہ بنا رکھا ہے بابا تاجے خان کا، بلو خان کا، ادریس خان کا پروار بنا رکھا کول آواز کی شوبھا. اللہ بھاگ نے 500 دیے پہلے اور 100 روپے ہو 600 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے. اللہ بھاگ بنا رکھا بڈا تاجا مہاراجا بڑا پیار کرے کرتا، اللہ اسے جنت میں جگہ دے. اللہ بنا رکھا ہے ریاست علی کپتان صاحب کا بھاگ سب بیٹھے کی لاد، 600 روپے پہلے اور 200 روپے اور 800 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے. اللہ جوڑی پار تار ہے، اللہ سیرے مبارک کرے. رانا محمد سلیم کے 200 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے، اللہ بھاگ بنے رکھا ہے. محفل بیٹھے کی لاد اسلام پور کی صوبہ کری کچہری مال دے رایا دربار لکھا بچو اگنی فتح سنگھ ارے رجپوت سوایا ایک سگل دیپ کی پدمنی ایک سوداگر لیایا لوٹی جا تو لوٹ لے یو من لکھ بتایا ارے یو حد میری نے لکھ گیا حد تیری میں آیا کہ کروں مجبور ہو گیا یہ میری جوت پر کے ڈورن لے کر یہ بیپاری یہ سوداگر لکھ گیا بعد میں میرا لگ گیا ایک بردہ فروش گیا نہ ہاتھ نظر رہ گیا. اگر تو بیٹا راجپوت کا ہے بیٹا جوگا جیت کا ہے تو بیٹا اس لوٹ کے مال لے کے گھر چتور میں چڑھ جا. پڑھ کر کچہری میں بیٹھے تھے اگلی راجپوت ہاتھ کھا کے دعا مانگی کس نے پتے نے کہ واہ میرے اللہ گھرائے ناگ نہ پوجیے بمبی نے پوجن جا. ارے بھائی راجپوت کیا لگے گی ٹھاکر صاحب کیا بات ہے اگر یہ پرلے پانے میں بسے چتوڑ میں رانے کون یہ رانے بسے ان کا بڑا کون کہ رانا رتن سنگھ تلوار کے چور تے سگل دیپ سے پدمنی بیا کے لیا تھا اور اللہ پاک نے مرض گھر بچے بھیج دی. کتنی ہے کہ 700 ڈولے لکھے بولے پہ تو چال کے کمل گر لے کدے رانے آگ سوپے کا دعویٰ کروا کا دینا بٹوال آدھی لے جا رانے آدھی آویں گی دونوں بھائی کے بانڈے
फिर दोनों का बंटवारा, पौने दो से तेरी, पौने दो से मेरी, पौने दो से अपना बाजे को नहीं बाजे। ये 700 पदमनी के डोले के तोड़ में आने चाहिए। बोला के अच्छा मैं बात नहीं तैयार करो, 12,000 जवान बाजे तोड़ नौ छिड़के ने दे हाथ में लेके तैयार हुए और बोले भाई बोला जो लूट का माल है मारा हर राणों पर खबर कर दो, अगर हमारी गली लाख का रोल लुटते है तो हम अपना हाथ आया देंगे। राणे कह लेंगे हमारी घर की लड़ाई है बोले कि लूट के माल में हमारा हिस्सा है। हाँ सुन क्या कहने लगा राणू ने एक जमान गली दे दिया अपने पन्ने की तरफ से। सरदारो 12,000 जवान तैयार हुए सामने डोले, ये बगैर जैमन शिकार ने गया एक कस्तूरी मिर्ग का जोड़ा लिखड़ के सुपदनी के डोले के ऊपर कलांच मार के जो गया बूढ़ा हरी सिंह बोलिया अरे छोरा ओ नायिका ये महाराज एक मिनट सुनना सुनिए भाई सुनिए अगर ये हिरण गए इनके पेट में से कस्तूरी लिखड़ेगी चाले इतना जैमन शिकार खेल का हुआ हिरण के पीछे घोड़ा गिर दिया। हाँ बाबा घोड़ा ने हिरण नहीं थे एक पहाड़ की खो में हिरण बढ़ गया डोड़ों का फासला काफी रह गया और कह लगा कि इतना जैमल शिकार खेल का हुआ अरे इस पहाड़ी के ऊपर मेरे तंबू ला दे। ढाई सर पक्की खीम का गोलियां पीका बुलड़ा चित हो गया ना ही मुट्ठी पर लग गया और तलवार गाड़ दी तलवार की मुठ के ऊपर अपनी पाक धर दी नशे में धुत हो गया बाबा। सरदारो 12,000 जुमान जिस भगत चित्तौड़ से नीचे उतरे और अपना शाही नीचे तारे देख रहे डोले कौन से नाके पर कौन सी तरफ खड़े हैं। सरदारो देख के डोलो ने 12,000 जवान किस तरह जैमल के डोले हिरे और कैसे आके जवाब पड़े भाई और भाई खत लौट जाए रे भीड़ पड़ी मैं कोई पीड़ा मास जगा करे कम चला और सबर शांति का रे पीछे बेराप क्या करे कम चला और सबर शांति का पीछे बेराप क्या करे एक सबर करा अयूब पैगंबर सब इम्तिहान में पास होया या बार वतन से पैगंबर 18 साल वनवास होया रे सारे गा तुम्हें कीड़े पड़ गए अरे सारे गा तुम्हें अरे कीड़े पड़ गए ऐसा गात का नाश होया और फिर मेरे फ्री थी खुदा पाक की दुनिया में प्रकाश होया सुबर करा तो सोना बरसा सबर करा तो सोना बरसा रे बेसबरी में के बटिया कपछे देरा बटिया करा सबरा कौन होया रे देख खजाने एक कारून बादशाह नहीं कानूनी छांट गया रे दंग का लोभी दंग का लोभी रे बेसबरी में जकात देते भी नाट गया ओ मूसा नबी ने भी समझाया उसने भी बारा बाट गया लेख खजाने रे सिर के ऊपर उतर मौत के घाट गया लेख खजाने रे सिर के ऊपर उतर मौत के घाट गया रे दो जके मा चला गया ओ दो जके मा
ਗੁਣ ਉਗਣ ਨੂੰ ਛੱਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੇ ਨਾਮ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁਦਕਾਰ ਦੀਏ ਗਲਤੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਮਾਫ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ ਸਬਰ ਕੇ ਕਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਲਬੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਦੀਏ ਸਬਰ ਕੇ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੀਏ ਕਹਿਣਾ ਨਸਰੀ ਕੇ ਚੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵੀ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਕਿਨਿਆ ਨਸਰੀ ਕੇ ਚੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈ ਮੈਂ ਵੀ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਝੂਠੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਆਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹੀ ਔਰ ਧਰਮ ਡੂਬ ਜਾ ਇਬ ਪਾਪ ਤਿਰੇ ਸੈ ਧਰਮ ਡੂਬ ਜਾ ਧਰਮ ਡੂਬ ਜਾ ਇਬ ਪਾਪ ਤਿਰੇ ਸੈ ਔਰ ਬੇਸਬਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਜਗ ਪਰਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਸੈ ਰਹੀ ਬਾਲੂ ਕੀ ਬੀਤ ਬਾਲੂ ਕੀ ਬੀਤ ਪੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਕੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹੀ ਉਲਟੀ ਬਾਣੀ ਏ ਜੀ
सोने मैं कर दूँ दे करूँ हर चांदी मैं जोड़ी कोई ना कर कोई रास्ता कोई मोरी ऐसी ना छोड़ो कि जिसमें ना कोई निकल कर चले जा। राणा मोहम्मद तस्लीम खां का भाव सभा बैठे की लाद। राणा तस्लीम की तरफ से 100 रुपए दूल्हा के सिरे के नाम के अल्लाह भाग में रखा है। सईद अख्तर राणा सईद अख्तर खां का भाव 300 रुपए राणा साहब की तरफ से दूल्हा के सिरे के नाम के अल्लाह बनाए कहे। राणा मोहम्मद इकबाल खां का भाग सभा बैठे की लाद 500 रुपए राणा इकबाल खां की तरफ से सलामत रखे। राणा मोहम्मद अली के 50 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह भाग बनाए रखे महफिल बैठे की लाद। कप्तान रियासत अली खां का भाग सभा बैठे की लाद अल्लाह बनाए रखे तलाक आम की शोभा 1000 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह भाग बनाए रखे अल्लाह जोड़ी पार तार अल्लाह सिरे मुबारक करे। गड़ी काम की शोभा अल्लाह बनाए रखा है नेक मोहम्मद खां का भाव पहले बजिए थे 100 दिए थे पहले और 100 रुपये और 200 रुपए गड़ी काम की शोभा अल्लाह भाग बनाए रखा है इस बात का अल्लाह चुकने भाग कर बनी सरदारी अल्लाह बनाए रखा है रंग में चंदी के बाद बोला लग लिया गहरा। हाँ हाँ सरदारो बोला के महाराज सोच के करिए क्यों कदे कोरे ने लिखना है कैसे काम में होगी न गट्टो का काम था और न ही क्या लगा अखो मैं रंडा हो गया मानो मेरा घर वासा करो। जाट कहने लगे कितने रुपए में हो जाएगा तेरा ब्याह अभी मेरा ब्याह हो जाएगा 300 रुपए में 300 रुपए इकट्ठे हो गए नैन ब्याह खेले आया। और हिंदुस्तान में रिवाज था कि घड़े में पानी काम से बाहर कुए बॉडी होया कर दे नैन ने ठाई डोल दरे सिर पर दोगड़ पानी भरने जा उस गांव के बीच में 3 रंडे एक गांव का लंबरदार रंडा गांव में सुना था ओ भी रंडा गांव के बाहर पड़ी थी कुटी कुटी खड़ा दो लंगड़ की धोती कर रहा और छम छम पायल का लगा छमकारा बोले रे सुन रहे भगवान तेरा मैस बंधवा दूंगा। बोले लंबरदार तेरी मैस की मैंने कोनी जरूरत तेरा मौका लग जाए तो सांझ ना जिये धरती की कारी सुनार कर रहा टोम टोम गरी सुना चमकारा उठ कर बोलिया अब बहुत अच्छे मेरे दुरे चंपक अली दरी पर आ जाऊंगा। मैंने सोनी जी तेरी चंपक अली को नहीं चांदी सांझ ना जिये मेरा नाई को नहीं ये तो दुकान बजाया कर दे दिन से बस सासू का पैर दिन से ताला ठोक गया प्यारी पकड़ी कुए में जाकर डोल गिरा और मोना पड़ा कुटी में डोल का खड़का सुना अब कोई फनिहार रह गई गेरा डोल और मोड़े ने ठाई बाल्टी बोला भगवान थोड़ा पानी गा लिए पानी गा लिया मोड़ा बोले इतने ऐसा तबीज दूंगा तेरा छो रही होगा ना ना कलवन से के तीन टकर के बोला बाबा तय भगवान का रूप तेरा मौका लाग जा सांझ ना जिए दिन छिप गया दीवे जड़ गए और तवड़ लगी सुनार ने कुंडा खड़काया कौन के मैं आज बिठाया एवरे की परे भी दो बात करी तो मैं दर्द कुछ कहा के मुंडे ने कुआड़ा में ठोक गया सुनार बोल रहे बार कौन है अब देखे मारे गांव का बब्बा है मैं दो बात करके नेब्बे काट दूंगी नुकाम कर लुक जा अब कित लुकू अब जिस खाट पर बैठे के नीचे लंबा पड़ गया खाट के नीचे लंबा पड़ गया सुनार और कनैन ने खोला कुंडा आया उसी खाट के ऊपर बैठ गया और खाट की बाई करण से सीख लगे बोली सुनार सोचे जो चूल टूटते तेरे दलिया कर देगा उरे की परे की दो बात करी इतने में लंबरदार के हाथ में बैठ और मुच्छा चढ़ रही दो नंगड़ की गिरा दो फिर कुआड़ा मार का खनकारा मोटा बोले बार गली में कौन खनकार है बोले हमारे गांव का लंबरदार और तेरा बेड़ा गिरा को जितना देख लिया ये जितना गोश्त चढ़ रहा है छोटे को नहीं काट देगा बोले देखे गांव का लंबरदार जब मैंने इसकी बात ना सुनी तो मेरे गांव का बाहर बुड्ढो भरे फेंक देगा बोले फिर मैंने लुकने की जगह बता सुनार बोले मेरा साला जो भी आवे लुक जाओ मेरा ना किसने ना उधर रखे कुंडा खोल लिया और लंबरदार खाट के ऊपर आके बैठा और मोड़ा
ਕੋਠੀ ਕਰਨੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਚ ਗਾਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲੁਕ ਜਾ ਕੋਠੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੀਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਖਵੇ ਕੋ ਨੀ ਗਏ ਬੱਪਾ ਝਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਫੋੜ ਕੇ ਡਹਿ ਪੜਿਆ ਪਰ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਉਰੇ ਖੜੇ ਕਹਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਖੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇਰੀ ਖੱਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਧ ਲਿਓ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਗੱਪੀਆ ਤੋਂ ਨੀ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੋ ਨੈਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗ ਲਗੇ ਬਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜੋ ਕਾਲੋ ਕੀ ਜਿਹਦੀ ਕੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾ ਗਏ ਦੋਸਤੀ ਤੋ ਜਾਊ ਚਮਕੇ ਬੋਲਣ ਬਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਹੀ ਅਗਾ ਛੱਲੀਆ 300 ਪੱਕੇ ਦੁੱਧ ਕਾ ਬੇਲਾ ਕੰਸੀ ਕਠਾਇਆ ਕੰਡ ਕੰਡੀ ਦੁਰ ਅੱਡੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੇਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਪਰ ਗਏ ਆਂਡੀ ਕੇ ਕੰਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਗੇਰਿਆ ਖੜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰਾ ਓਢਣਾ ਓਢਣੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰਾ ਬੇਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਪੀ ਲੇ ਤੋ ਸਿਹੜਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਜੇ ਲੂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲੁਗਾਈ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੇਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਕੀ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤਾਰਾ ਬੇਲਾ ਪੀ ਛੇੜੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਲੇ ਹੋ ਟੀਚੇ ਤੇ ਜਲ ਗਈ ਛੇੜੀ ਵਾ ਖਾਟ ਪੇ ਬੇਲਾ ਮੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਸੁਨਾਰ ਕੇ ਗਾਂਠ ਪੇ ਪੜਿਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜ ਗਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾਂ ਨੈਣ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਕੇ ਜਲ ਗਿਆ ਰੁਕਾ ਸੁਨਾਰ ਬੋਲੇ ਚੜ ਗਿਆ ਰੇ ਉਹ ਮੋੜਾ ਪੜਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕਿਤੇ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੜੇਗਾ ਬੋਲੇ ਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਜਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਢੀਓ ਲੰਬਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਕਾ ਸਾਇਆ ਬਾਜਰੇ ਤੋੜੇਗਾ ਅੱਗੇ ਲੰਬਰਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋਢਾ ਗਾਮ ਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆਂਖ ਗਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੱਠ ਨੁਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਤਿੰਨ ਮੰਗ ਚਾਂਦ ਕੰਨੀ ਪਾ ਕਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਕਰਤਾ ਉਤਰਾ ਫੱਤਾ ਚਕਤੌੜੀ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਘੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾ ਛੋਡੀ ਮੋਰੀ ਬਈ ਉਸ ਫੱਤੇ ਰਜਪੂਤ ਨੇ ਜਦ ਪਰਖੀ ਗੋਰੀ ਅਰੇ ਲਿਗਰ ਡੋਲੇ ਤੇ ਚੜੋ ਬੇਲ ਅਰੇ ਸੌਦਾਗਰ ਗੋਰੀ ਤਨ ਸੋਨੇ ਮਨਤ ਫਤ ਕਰੂ ਚਾਂਦੀ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਜਾ ਹਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਕੀ ਬੇਲ ਪੈ ਸਰਦਾਰੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ ਠੀਕ ਇਸ ਬਦਨੀ ਜੀ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਲੁਕਣ ਕੀ ਔਰ ਹਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂ ਬਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਥ ਲਪਕਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਹਟੀ ਬਈ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਗੁੱਸੇ ਬੜੀ ਰਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਅਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਡੋਰੀ ਕੇ ਸੇਜ ਬੇਲ ਬਿਸਵਾ ਚੜੇ ਤੂੰ ਕੁੜ ਖੋਵਾ ਖੋੜ ਪਰਾਈ ਸੇਜ ਪੇ ਗਸਤੀ ਔਰਤ ਚੜੇਗੀ ਅਰੇ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਚੜੇਗੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਕਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲਲਕਾ ਸੁਣਿਆ ਫੱਤਾ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਬੋਲੇ ਰਹਿ ਅਗਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਕੇ ਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹ ਪੇ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਲੁਗਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਲੁਗਾਈ ਮੈਂ ਨਖਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਬਿੜੇਗੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਕੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਲੇਂਗੇ ਬਤਲਾ ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਤਮਾਮ ਰਾਜਪੂਤੋਂ ਕੇ ਡੋਲੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਵੋ ਰਾਜਪੂਤੋਂ ਕੀ ਬੇਟੀ ਥਰਥਰਾ ਗਈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਡਾਕੂ ਰਹੇ ਡੋਲੇ ਹੇਰ ਲੀਏ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਆਬਰੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਿਸਪਦਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕੌਰ ਗੇਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਈ ਔਰ ਆਡਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜੋ ਰੁੱਖ ਕਠਾਇਆ ਔਰ ਮੀਲ ਭਰ ਕੇ ਫਾਸਲੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਢੜੇ ਦੀ ਪਾਗੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜਿਆ ਬੁੱਢੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੇਰਾ ਲਾਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰੋ ਕੰਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੁਲਾਉਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕੌਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਗਾਤ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦੇ ਕਿਲਕੀ ਔਰ ਬੁੱਢੜਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਆਵੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਾਣੀ ਸਿਸਮਤ ਨੀ ਕਿਲਕੀ ਮਾਰੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਦਿਖਾਵੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਖਤ ਕੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ
राजपूत का छोरा सोरठ रानी पर आशिक था। सोरठ को ये पानी भर रही थी और छोरा की तलवार पेटी लगी हुई और देखा कि सोरठ खड़ी आया, बोले सोरठ पानी पिया। सोरठ ने देखा, बोले बिक जा मारे जाएगा। तो सरदारों क्या जवाब होया था, रदी के हम राजपूत जाति के छतरी, ओए हम राजपूत जाति के छतरी, नहीं मरण में कहा मारेगी रे फिर रोवेगी बंदारे सूरज प्राणी बंजारे पे मिसाल दे के कह रही, एक समय का जिक्र सुनो एक लक्की होया बन जा रहा, एक समय का जिक्र सुनो लक्की होया बन जा रहा, और 352 सिर की उसकी लंबा था बड़ा लारा, 352 सिर की उसकी लंबा था बड़ा लारा, बाबा सारे मुल्क में बन जिक्र था था, मोटा था सौ का एक छोटा सा कुत्ता उसने बड़े प्यार ते पाया, छोटा सा एक कुत्ता उसने बड़े प्यार ते पाया, अरे मथे टिकार गल में पट्टा कुत्ते का रंग काला, मरेगी फिर रोवेगी बंदारे की धारा, लाहौर शहर ते बनजारे ने पंचो अपना डेरा ठाया, लाहौर शहर ते बनजारे अपना डेरा ठाया, और कोस चलिया दस कोस चलिया दिल्ली आगरे में आया, कोस चलिया दस कोस चलिया फिर दिल्ली आगरे में आया, दिल्ली आगरे जाके बनजारा टोटे ने गणा सताया, एक बड़ी के रहा था जाके लखी ने कर्ज कढ़ाया, एक बड़ी के जाके लखी ने फिर बड़ी के कर्ज कढ़ाया, 30,000 रुपये में 20,000 रुपये में दिया कुत्ता छोड़ रखा, बंगारे की डाला, लाला जी मैं 20,000 दे दू अपना कुत्ता ले जाऊंगा, बोले ठीक है भाई, और भाई मेरी फिरी अल्लाह पाक की चोरी बनिए का होई रात ने, अल्लाह पाक की चोरी होई बनिए की रात ने, और चोरा ने धन काट लिया कुत्ता फिरे तागाल में, चोर ने धन काट लिया कुत्ता फिरे तागाल में, चोरा ने धन काट का बाबा ज्यादा ब्याए के ताल में, चोरों ने दल काट का बाबा दबा एक ताल में, अरे पेड़ी पाटी दिल निकलिया कुत्ता लिया था माल ने रे, कुत्ता लिया माल ने, बाबा बढ़िया भी फिर रेडी हो गया, बनिया भी रे राजी हो गया, कोटी तक सभाया रोवेगी बंजारे की तेरे चोरी बरामद कर रहे, बनिया राजी हो गया, बोले रे मेरे 20,000 पूरे हो गए, जब बिजली अपने बंजारे लवे चिट्ठी लिख के उसके गले में गाल दी, हाय हाय कर्ज चुका के चाल पड़ा भाई
कुत्ता चलिया रे बिचारा कर चुप चुका के चाल पाया मेरे कुत्ता चलिया बिचारा। अरे बाबा कोस चलिया दस कोस चलिया रस्ते में मिला बन जहारा। कोस चलिया दस कोस चलिया रस्ते में मिला बन जहारा। तो ही न समझी बन जा रे ने तो ही ने समझ के बढ़ जा रे कुत्ता जाने ते मारा। और थोड़ी देर के अरसे में फिर हाथ गेर पुचकारा। थोड़ी देर के अरसे में फिर कुत्ता हाथ गेर पुचकारा। बाबा पढ़ चिट्ठी ने रोवण लग जा पढ़ चिट्ठी ने रोवण लग जा लखवी जट्टी यार रण गुलाम हुसैन खां का भाव समय बैठे गिलास बैसी गांव की शोभा लबड़ा रखे। गुलाम हुसैन खां की तरफ से 200 रुपए दूल्हा के शेरे के नाम के अल्लाह भाग कप्तान यासत खां का भाव समय बैठे गिलास सागाम की शोभा ला बेटे के सिरे मुबारक करे 1000 रुपए पहले 200 और 1200 रुपए दूल्हा के सिरे के नाम के ला सलामत रखे। समा बैठे की लाश अल्लाह भाग में रखा है परवेज खान की तरफ से 500 रुपए पहले और 500 रुपए और 1000 रुपया दूल्हा के सेरे के नाम का राजपूती सरदार चंदी के बाद राव साहब का भाग बना रहे मैं फिर बैठे की मानी लाज रखा है अल्लाह सलामत रखे। तारानगर की शोभा लबड़े रखे साबर इकबाल का भाग बन रहे हैं लबड़ा रखे साबर इकबाल की तरफ से दूल्हा के सेरे के नाम के 1000 रुपया अल्लाह जोड़ी पारता रहे अल्लाह सेरे मुबारक करे साबर इकबाल की लज्जताबर बना रखे तागाम की शोभा 50 रुपए सईद अख्तर सईद अख्तर का भाग समय बैठे की लाज 50 रुपए अख्तर खान का भाग बन रहे महफिल बैठे की लाज 50 रुपए सिंह दिमाग उजड़े थे तो ही बहके मन में सोचता रे आ बनी ले नदा आज तेरे जय मल के रे आज लुटती आने बरस की उमर है ये तेरे पाके मुर्दो इतनी है सुने कह जद लई रे
भरे भरे है खपरे ए मारदा अरे जने से ले बाड़े रामदास बोलिया के बुढ़ा उठिए हरि सिंह उठा अरे क्या बात है अब देखिए आवाज कैसी कौन लाया अल्लाह बनाए रखा है बल्लू खां का भाव सभा बैठे की लाज अल्लाह सलामत रखे बाबा ताजे का परिवार बना रहे 500 रुपए दिए पहले और 500 रुपए और 500 दिए पहले और 1000 रुपए और 1500 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के बल्लू खां की तरफ से अल्लाह सलामत रखे महफिल बैठे की माली लाज रखे कोलावास की शोभा इस्लामपुर की शोभा अल्लाह भाग बने रखे सईद अख्तर का भाग सभा बैठे की लाज अल्लाह भाग बने रखे महफिल बैठे की माली लाज रखे अपना इकबाल खान राणा साहब का भाग सभा बैठे की लाज 400 रुपए अल्लाह सलामत रखे दूल्हा की जोड़ी पार तार है अल्लाह सिरे मारिक कर सिंह ने सुनी बात ये देखा मोहम्मद इशफाक खान का भाग तलागाम की शोभा दूल्हा के सेरे के नाम के 100 रुपए 900 बकाया अल्लाह सलामत रखे भाग बने रहे महफिल बैठे की लाज चंदी के बाद बोला के हाँ नायिका या कैसी आवाज रानी ने ललकार या हरी सिंह दीवान इनके मन में सोचता आ बड़ी नदान तेरे जैमल केरे नवास की अज लुकसी आन तेरी 60 वर्ष की उम्र है तेरे पक्के पान और दिखे ओहो रे कह रही रे बेटी मेरी आ सुन ले लिया मेरी रोतन की कमान ठाके तेरी डाकू या भील ने मेरी बेटी का डोला सरदारो कमान ठाके जी बुढ़े ने जरा कमान में तीर और कान बरोबर तान के जीव का छुप गए हाँ भरभर खपरे मारता अर्जुन के बाण 36 अन्ने खाली कर दिए तीरा के तान हरी सिंह जद करे के बुढ़े की गई टूट कमान बाबा 36 जवान जिस वक्त फत्ते के मारे और 37वां कमान में तीर चढ़ाया और निशाना बढ़ाया दो जवान जो खड़े घोड़े के पुरुष के तीर मारना चाहिए वो कौन था खेच का पूल ताकत का तीर खंचा और मारे कान की बर्ब में को तीर निकल गया पहाड़ में जाकर तीर लग गया और कमान के दो टुकड़े हो गए सरदार 500 के 500 नहीं कहने लगा कि महाराज लश्कर बेतदाद और इनका बेरा नहीं के शिकार खेल गया कोनी के कमान गई तू बोला की बात सुन छोरा जा ता ससुराल बोले री माँ मैंने कुछ कहना पड़ेगा कहा बेटा दो बात याद रखिए कौन सी अब जितना रिश्ते में मिल जाए लंगड़ा तो उससे करिए राम राम और जब मिल जितना तय मतवाड़ा तो उससे करिए साफ सलाम बोले दे दी है अच्छा चल पड़े छोरा लखी कंधे पे चादर और चले जा रस्ते से की दिखा तो पजामे वाला चल आया हुआ उसने देख के सोचा अगर मां ने कहा था जे मिले लंगड़ा तो करिए राम राम और जे मिले धोतिया तंगदाड़ा तो उससे करिए साफ सलाम इसके बारे में तो बुढ़ी ने की मैंने कहा इन्हें की कहूं
आया उसकी छत्ती मार मार के बोले है मेरे यार ओ ना ओ बोले के मतलब है अख्तर सैन ना हिंदू था ना मुसलमान जो के पहन रहा महाराज नहीं के महाराज शिकार खेल के नहीं आया या मेरा घोड़ा तैयार करके डक्कू से जाऊंगा लश्कर में खंचा तंग और तलवार पकड़ी हाथ में बन जा सावा दौड़े की कन्नी पड़दम 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 कर रहा आया क्या देखा गेरा जो लग रहा था ना किलकी मारी आग के गेरा एकदम तक टूट गया बाबा गेरा टूट गया आप अरे बेटी के डोले के ऊपर खड़े हो जाए नाई का मने जानी और इस डाकू ने जानी कुमार के चाक की तरह घोड़ा बुढ़े ने घुमा दिया आए डाकू जोर सा हाथ उठाया तेरा हाथ काटू कदम बताया तेरा कदम काट दू आंख से तेरे डोला तक तेरी आंख का डेला काट दूंगा आए गोली का यंत्र किस सोच के डोले हेरे हैं पत्ता सुनकर बोलिया बुढ़ा ये डोले तेरे हैं हाँ अरे ये मेरे छत्तीस जवान कैसे मरे बोले छत्तीस जवान मेरा दूर का निशाना था बहुत दूर खड़ा था ये मैंने तेरे छत्तीस मारे तेरे बिल मुकाबिल जो तलवार का धनी है जो तलवार का खिलाड़ी है वो मेरे मुकाबले पाओ मेरे तलवार के आदमी देख ले पत्ता बोल रहे अगड़ियो डोले तो देखे के बाद में है कोई मेरे लश्कर में ऐसा जवान कि जो इस बुढ़े व्यापारी न मारे पत्ते का दीवान कौन हटी हटी कौन क्या हटी सिंह राजपूत अगली कहने का महाराज मैं मारूंगा इतना कि शाबाश डोड़ों पर फिर तेरी छाट करके मजदूर से मर्जी डोड़ा दे दी मदान में आया और आकर ललकार मारियो बुढ़े व्यापारी तू औरतों का बेचनिया हम राजपूत से मारा क्या मुकाबला कर सकता है पत्ते का दीवान और हाड़ा हरी सिंह के दरमियान आके कैसे तलवार का पैंतरा हुआ है और क्या जवाब बने भाई जी के इलम हुनर बिनर भी प्यार बंदा पशु के बराबर पोस देर सांप के वो डर कर जादा मूर्ख का डर पोस देर सांप के वो डर कर जादा ना इलम और पल्ले ना हुनर तो वो डंगर है तेरे इलम हुनर बिने बिजर बंदा पशु के बराबर शेर सांप के डर कर जादा मूर्ख का डर हो से और बाबा काग चले था चाल हंस की अपनी भी चाल बेसारी उल्लू गधा चा ले सरदारो कोयल पैसरदारी उल्लू गधा चल के कोयल पैसरदारी और अकल भूषण और रसिली रे बोली मिलती नहीं है उधारी अकल हुसन और रसिली रे बोली मिलती नहीं है उधारी और जी के सुगल आदमी वो क्या कर नारी भगवान घर Oh,
रज के लाल लालिनी एक मोती केरे एक ही लड़ मैं ललनी के बीच गल सरदारो लाल बिचारा रोवे ललनी के बीच गल सरदारो लाल बिचारा रोवे चंदी जाए रजनी मिल जाए बात जाने की तो है जन्नी के गलिया ओ मूरख फसे जाए अगली रपली तो वो कह लक्ष्मी चंद इसे दुनिया में कह लक्ष्मी चंद ओ दुनिया में अल्लाह तेरी अच्छाई Thank you.
जिसने मारी हजी ओ सिंह के लहंगा दी सही साहब का भाव सब बैठे की लाल राणा साहब का भाग बने रहे 600 रूपये पहले 100 रूपये हो 700 रूपये अल्लाह भाग बने रखे मैं फिर बैठे की मान लाज रखा मुंह से जाट की तरफ है 200 रूपये दूल्हा के शेरे के नाम के अल्लाह भाग बने रखे अल्लाह सलामत रखे कप्तान रियासत खान का भाग सब बैठे की लाल अल्लाह बेटे के शेरे मुबारक करे 1400 रूपये दूल्हा के शेरे के नाम के तला गांव की शोभा नेक मोहम्मद खान का भाग गली गांव की शोभा 300 रूपये सलामत रखे मैं भी बैठे की मान लाज मोहम्मद जब्बार खान का भाग बैसी गांव की शोभा 100 रूपये दूल्हा के शेरे के नाम के अल्लाह भाग बने रखे इस्लामपुर की शोभा रुके मंडल चांदी के बादल अल्लाह सलामत रखे मोहम्मद इशफाक खान का भाग सब बैठे की लाज 100 रूपये दूल्हा के शेरे के नाम के इशफाक खान की राणा मोहम्मद सत्तार खान का भाग सब बैठे की लाज अल्लाह बने रखे राणा सत्तार ने 600 रूपये दिए पहले और 200 रूपये हो 800 रूपये दूल्हा के शेरे के नाम के अल्लाह सलामत रखे अल्लाह जोड़ी पार तारे मैं फिर बैठे की मिलाज रखे इस्लामपुर की शोभा सरदारो हाड़े ने कह रहे मेरे तीर का निशाना और यो मेरी तलवार का कर्तव्य फत्ते का जवान हाटी सिंह राजपूत अगली आया मैदान में आया राणा कौर के बाबा हटी सिंह अग्नि मारा ललकार हरे हरी सिंह पे जिमने जोया वार बुढ़ा फटे का खरार था बेचारा रोकया वार पैतरा बुंदे ने बदलिया और घोड़े से किलकार मारी रजवान तेरा वार खाली गया तेरे दिल में बोले खाना रहा जो दूसरा वार तुमने चलाना तो चला ले बोले नहीं मेरा वार तुमने खाली करा ये वक्त तेरा चला बुड्ढा बोले फिर मेरा वार उठे कर जो अपने के लिए पिछले ने याद कर ले हाड़ा पटे का खलार था भाई रोक क्या वार हाटी ने खेची तलवार म्यान थे भाई देख ललकार मारी फत्ते के हटी सिंह राजपूत के लंगा दी पार घोड़े से नीचे गिर गया वो दल का सरदार अगली राजपूत बोल ले रहे फत्ते के हाँ छत्तीस हंडे खाली करे 36 के बाद यो 37 में गया बुड्ढा बहुत कसूती बाप बहुत जबरदस्त तलवार का खिलाड़ी है तजर्बेकार है हर बुड्ढे ने तलवार गवाए है अरे यही थे तेरे खिलाड़ी बुड्ढे के तीर तलवार चलती देख कर अगली राजपूत सारी नीची खेच गई बोले जो बोर्ड जागे इसके मुकाबले जो बोर्ड का बाद में नहीं मिलेगा बुड्ढा छोड़ रखेगा बाबा आदि चित्तौड़ का सरदार आदि चित्तौड़ का मालिक राणा उदयदीप का पोता राणा हरिजीत जो कि राणा ने दिया लूट के माल में शरीक होने की कतर आदि के मालिक थे राणे ने देखा ओहो अगड़िया की तलवार मोम की बन गई मैदान में आया कहने लगा अगड़ी फत्ते ने कहा हाँ भाई राणा साहब अगर थारे बस का रोग नहीं है जो इस बुढ़े व्यापारी ने मारे इन मारेगा तो आदि चित्तौड़ का सरदार मारेगा पत्ता बोल रहा सुन ले मेरी बात राणा साहब अगर तेरी जीत है तो मेरी भी जीत है तेरी हार है तो मेरी भी हार है मेरी इज्जत का सवाल है आदि का मालिक है अगर तने जो बुढ़ा व्यापारी मार दिया भाई ये अग्नि का वचन है ये सारे डोले अपने पन्ने में ले जाए तेरा खुदा बावेगा दे दिए मेरे मर्द राजपूत इसने मार गवा दिए बोले फिर बच्चे कुछ नहीं सरदारो 25 साल की उम्र में डेढ़ गज चौड़ी छत्ती छोरे के मुछे चढ़ रहे और मदन घोड़े पे आया कह गया कि वो बुढ़ा
یہ جتنے بھی اتنا مارے ہیں یہ سب میرے سے چھوٹے تھے، سب کا بڑا سردار اس دل کا میں. بولے بڑھلا بولیا گڈ بوندی کا آڈا، پھر تھی اتنی وار کیوں لائی، بخت کیوں نہیں آ گیا؟ بولے جتنا دانا چگ لے مکاؤں گا تنا. سرداروں آدھی چتوڑ کا سردار رانا ادے دیپ کا پوتا رانا ہری جیت، اور ادھر کون گڈ بوندی کا ہڈاری سنگھ. وہ ڈوڑے کے اوپر کیسا پینترا لڑائی کا دکھاوے، اور کیا دوسرا وار، اور بابا لمبر لا رہا بڑھ رہا. رج کے سلے بان کی عزت رانی نونا بولی، تیرے پورن نے میری عزت پاٹ دے دی. ہوئے ہوئے راجا سلیمان بولے بلاؤ پورن نے دربار میں بلا لیا. بولے رہ تے تو بھگت بنا پھر ہے ہاتھ گیر لیا. رج کے سلے بان کی عزت لے لی او کل کہلایا رگا گیتا نے او مس گلا کری عاشقی رپون مندر بھور سلیبان کی عزت لے لی یہ رکل کلا دیا گاج تلے سلمان کی عزت لے لی یہ رکل کلا دیا گاج تلے وہ تیرے بر کے پورنے سن لے رہے کڑ کلایا داگ تنے موسی گلی کری آسکی رکھون ملر داگ تنے اور تیرے برگے پورن ملے من دنیا میں دیکھے بہت رشی لوگ دکھاوا بھگتی کردا ظلم کرن پہ کمر کسی لوگ دکھاوا بھگتی کردا ظلم کرن پہ کمر کسی اور بیا شادی نے نٹ تھا او بیا شادی نے نٹ تھا اور یا لونا رانی من میں بسی اور دیکھے مموسی کا کھالے چھوڑ کے کرنے لگیا کھوا کسی رے مموسی کا کھالے چھوڑ کے کرنے لگیا کھوا کسی اور ملا کے مانار ڈسی او پر کے کالا ناگ کنے عزت لے لی داغ تنے مسی گلو کری عاشقی ر پورن ملر باغ تنے کے دھرتی اور سمان پلٹ جائے اور یا گنگا پہاڑ چڑھائی کیوں محل جنن جا کے میری نونا لال جگائی کیوں محل جنن جا کے تن رہ نونا لال جگائی کیوں اور دھرم چھوڑ میں پاپ پکڑ لیا اور یا ستی راڑ جگائی کیوں اور چھوڑے ماتا یارا لفظ بھول گیا جا کے کہیں لگائی کیوں اور ماتا یارا لفظ بھول گیا جا کے کیا لگائی کیوں اور ہس کی قدر گٹائی کیوں او ہس کی قدر گٹائی کیوں پیدا ہو کر کاگی تنے اور موسیقی ارے چھوڑا سن لے جکے شال کوٹ کے لوگ لگائی ارے شال کوٹ کے لوگ لگائی ارے چلنے تنے ماری کے اور بیٹا نہیں میرا تو دشمن جامیا تیرا تارو سر تلوار بیٹا نہیں میرا دشمن جامیا
दारू की तलवार पे। अरे ऊत न पूत कमूत जाम गया, ऊत न पूत कमूत जाम गया। अरे मेरी इशरा दे नारी कै, मैं बोलन जो गा छो गया कोना, मन नीची कर लियार कै। अरे मैं बोलन जो गा छो गया कोना, मन नीची कर लियार कै। अरे पूर्ण हस की कदर घटाई क्यों, ओए हस की कदर घटाई क्यों। अरे पैदा हो के गागी तने मुसीबतों तेरी आज की भाग पे। ओ अरे बाबा लिखे जिला रोहतक तहसील गोहाना, जिला रोहतक तहसील गोहाना, जिला रोहतक तहसील गोहाना। अरे जिला रोहतक तहसील गोहाना, रजड़ में थाना काया करे, मुडलाने ते तीन कोस हम गांव में जुआरा, मुडलाने ते तीन कोस हम गांव में जुआरा रया करे। ओ कैरम जनी मूर्ख बंदा, अरे कबिया गेली फया करे, साप काट के अपनी धड़ पानी की तरिया बया करे, साप काट के अपनी धड़ पानी की तरिया बया करे। अरे बाबा उस्ताद गुरु पे दया करेंगे, आज गाना राग तने करी आज की रपुर मंगल भाग तने सने बान की। सतली खान का था सब बैठे की लाद, दूल्हा के सेरे के नाम के 1600 रुपए अल्लाह जोड़ी पार करे, अल्लाह सेरे मुबारक करे तेरा जान की शोभा। मैं भी बैठे की लाद रखे शहीद साहब का था सब बैठे की लाद, अल्लाह सलामत रखे शहीद की तरफ से 800 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के। परवेज अख्तर का था सब बैठे की लाद, तेरा की शोभा। परवेज अख्तर ने 500 रुपए दिए पहले और 500 रुपए और 1000 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के, अल्लाह बाग बनाए रखा है, अल्लाह जोड़ी पार कर सेरे अल्लाह मुबारक। राय इकबाल खान का लाख सब बैठे की लाद, अल्लाह जोड़ी पार कर 400 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के, महफिल बैठे की मानी लाद रखा है, अल्लाह सलामत रखा है। मुंह से जाट की तरफ है 250 रुपए अल्लाह भाग में रखे, इस बात से लक्ष्य में भाग करे। ठोकराई
جس وقت بابا میدان میں آیا انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ گڈ بوندی کا ہڈا ہے. بابا ایک دو ایک کانج بن کے کھڑی ہوئی. صحیح صاحب کا بھاگ سوا بیٹھے گی لاد 900 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے اللہ بھاگ بنا رکھا ہے. محمد علی خان کا بھاگ محمد علی خان کی طرف سے 100 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے اللہ بھاگ بنا رکھا ہے. محفل بیٹھے گی لاد اچھا اچھا اللہ بنا رکھا ہے. کپتان صاحب کا بھاگ سوا بیٹھے گی لاد رسد علی خان کی 16 پہلو اور 2 ہور 1800 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے اللہ بھاگ بنا رکھا ہے. اس بھاگ تلا چونے بھاگ کر بنی رہے سردار اللہ بنا رکھا ہے. اللہ بیٹھا کے سیرے مبارک کرے اللہ جوڑی پارتا رہے. سردار وہاں کہا کہ کرم نکاح کرتا نہیں کر لو چترائی آڈے ہری سنگھ نے للکار سنائی آیا رانا ہری جیت بھائی سرداروں بنگ کی ٹھکرائی جن کی مصری باجہ کرا کر کھچکی اڑکائی. رانی نے جس وقت ہری سنگھ کے گردن پر تلوار بائی وار بچا گیا وار بچا کے اور تلوار کھینچ کے بولا چھکے جوان یہ میرا وار لے لے. کھینچی مصری مان سے بڈھے نے کلکار سنائی ماری رانی ہری جیت کے بھائی سرداروں دی پار لنگائی گھوڑے سے نیچے گر گیا بھائی دل کی اڑ گئی اپنی بن کی ٹھکرائی. محمد اشفاق کا بھاگ سب بیٹھے گلاس 100 دیے پہلے 100 اور 200 روپے دولہا کے سیرے کے نام کے اللہ بھاگ بنا رکھا ہے. بنی رہے سرداری اللہ بنا رکھا ہے. محفل بیٹھے کی مالی لاز رکھا ہے. اس بھاگ کا اللہ چونے بھاگ کرے بنی رہے سرداری. بھائی لاج گئی مرنا بلا جینا کس کا آج کگا جگ جگ جیوتا تو تھوڑے دن بعد بعد کی عمر 12 تھوڑی ہے اور کا کی 100 سال کی کیونکہ باج مردار نہیں کھا گا حلال کھا گا کاغ مردار کھاوے. آدھی کا مالی گریا اور پتے نے متھے میں ہاتھ ماریا بول رہے ایسی تیسی میں جائیں رین کے ڈوڑے کھڑے ہو گئے پھول با گانی ہو گیا. بڑے بڑے جوان مار دیے اعلان کر دے واپس کر کے توڑنے چل رہے. آدھی کے سردار کے مرنے تھے اگلی کا حوصلہ ٹوٹ گیا. ہاں میرا حکم ہے جاؤ ایک دم سے جس وقت واپسی گھوڑے موڑے اور نگارا باجا کہ واپسی کے توڑ چڑھ دو. جس وقت بابا تمام گھیرا توڑ کے اور لشکر چتوڑ کے رستے پہ پڑیا چتوڑ کے نکے پہ جا کے کون بولیا
फत्ते का भाई अंचल दास। बोले ठहर जाओ, मैंने ये बताओ, अरे अगली कहा इकहत्तर आए थे कि लुगाई लुटन की कर लुट्टी अगना मर्द राजपूत मरवा दिए। बोले भाई मर्द राजपूत मरवा दिए। ओ भाई फत्ते बात सुन मेरी, गलिया में फिर रहे मचा के तन सदर डराई और मर्दा के गिल्ली पड़ा रे जंग चल पीठ दिखाई। बोला भाई के कह रहा है भाई बात सुन ले मेरी, आज जंग लड़ी अरे चित्तौड़ में तेरा घोड़ा आवे औरत राजपूत की बेटी तेरी घोड़े की थपक सुनकर अंदर महल में जाकर लुक जा, आज तेरी घोड़े की थपक कितने की। अरे हमारा ऊंचा किला चित्तौड़ का इस हिंद के माही, आज बात सुन मेरी बात का जाना हमारा शेवानी। ओहो अगली राजपूत बोले कि महाराज भाई के कह रहा भाई इंगे ने सुनी इंगे ने काट दी। बोला भाई मनवाना नहीं भाई। बोले बात सुन मेरी, चित्तौड़ में कौन बस है कमी कमी आदि में राणे आदि में अगड़ी और लेकिन बात एक है हमारा बैर हमारी दुश्मनी है लेकिन खून तो एक है मात दादी एक है लेकिन जांगे और राणो में पता लगेगा अक फत्ता लूट के ले आया माल। चलो लड़ाई लड़ाई की जना उन्हें मुबारकी देंगे भाई मुबारक हो तुम कहेगा ना भाई मुबारकी दे हम तो मुंह की खा का है मरवा का है। बात सुन मेरी, अरे छोटा रे अंच बोल दा रह रह दे पूते सिया आज ते तो भाजे चला रहे चल पीठ भाई मारा यो है पीला है हमने देंगे उलाड़ा कहेंगे आप गया था ओ फते सिंह के लिखो दिया राणा। लगे सिंह का बोल लगे कामन का कज्जल शाहपुर समानस का बोल लग गए ना मर के कान के बरबर निकल जाए। अल्लाह ने रखा शहीद साहब का था सभा बैठे की लाल शहीद अहमद है दूल्हा के नाम से हजार रुपए अल्लाह जोड़ी बार तारा अल्लाह सिरे मुबारक करे मैं फिर बैठे की मारी लाज रखे बनी रहे सरदारी अल्लाह बनाए रखो उस बात से अल्लाह चौकने बात करे। छोटा
ਬੋਲਦਾ ਰਜਪੂਤ ਸ਼ਿਆਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਹਿਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਚਲ ਪੀਠ ਦਿਖਾਣਾ ਮਾਰਾ ਯੂ ਹੀ ਕਿਲਾ ਚਤੌੜਕਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਾ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬਸੈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਰਾਣੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੇ ਹਮਨੇ ਦੇ ਉਲਾਣਾ ਜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਅਗੜੀ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਗੇਲ ਖੋ ਦਿਆ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਲਾ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਲਗੇ ਮਰਦ ਕਹਿ ਬਾਦਲ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਨਣਾ ਸੁਰਮਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਲਗਵਾਈ ਦੀ ਆਂਖ ਮੱਛਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨੀ ਬਤੇਰੀ ਲਗਵਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਤਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੰਗਲੀ ਇਹ ਖੱਬੀ ਆਂਖ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਆਂਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਿਆ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਕਹਿ ਗਈ ਜੈ ਰੋਏ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਸਿਫਤ ਨੀ ਕਰਦਾ ਜਿਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਸਰੰਦਾ ਹੀ ਆਵੇ ਬੋਲ ਲਗਾ ਕਮਲ ਨੇ ਕੱਜਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤੋਰੇ ਦਾ ਬਰੀ ਚੜੇ ਹਿਰਣੀ ਬੰਚ ਸਾਂ ਨ ਜਾਣ ਡਾਬਰੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕਲ ਆਣ ਚੁਗੇਗਾ ਬਖਤ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਤ ਕਥਾ ਹੈ ਕਥਾ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਣਸਾ ਚੌਦਾਂ ਸਦੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅੰਤ ਪਾਪ ਕੀ ਛਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੌਣ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਮੰਨ ਨਾ ਰਹੀ ਲੋੜ ਵਡਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਮਤੇ ਗਈ ਬਰਕਤ ਜਿਤ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਠੱਕਰ ਮੰਗੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬੇਟੀ ਧੀ ਕਾ ਧਨ ਲਗੇ ਖਪਾਵਣ ਬੇਦਰਦੀ ਅਨਿਆਈ ਕਰਜ਼ੁਕ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਈਸਾ ਆਇਆ ਮਰਦਾ ਨੇ ਮਾਰਾ ਲੁਗਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਮਿੰਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸੇ ਤੇਲ ਕੇ ਲਾਡੂਆਂ ਪਰ ਦੇਵਾ ਉਗਾਈ ਵੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਉਹ ਸੱਜੂ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੱਜੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਹ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟੇ ਹਟਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੱਤੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਗੀ ਅਰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਫੱਤਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਤ ਇੱਕ ਹੈ ਉਲਟੇ ਹਟਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵ ਕਰੋ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜਿਆ ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾ ਬੁੱਢਾ ਬੇਸ਼ਕ ਅਸਲ ਰਾਜਪੂਤ ਗੜਬੁੰਦੀ ਕਾ ਹੈ ਬਜਾ ਦਿਆ ਡਾਕੂ ਬੋਲੇ ਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਡਾਂਡੀ ਮੈਂ ਦਮ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤੀ ਖੂਨ ਹੈ ਹਰ ਇਤਨੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਾੜ ਪਰ ਲਸ਼ਕਰ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਡਾਕੂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਗਬਰਾ ਮੈਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਸਪਤਨੀ ਕੇ ਡੋਲੇ ਪਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਜਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੋੜਾ ਘੁਮਾ ਦਿਆ ਹਾਰੇ ਫੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਲਿਓ ਰਸਤਾ ਮੋਰੀ ਜੰਕੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਜੋ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਜਣ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਲਿਆ ਔਰ ਬੋਲੇ ਠਹਿਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੇਟ ਕਰੇ ਬੁੱਢਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆ ਵਕਤ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਕੇ ਬਣੀ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਫੱਤਾ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਰਹੇ ਓ ਵਪਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਤਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਸ ਦਲ ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਅਫਸਰ ਹੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰੋ ਦੌਰ ਮੂਛਾ ਚੜ ਰਹੀ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋ ਆ ਸਿੰਨੇ ਪਹਿਲੋ ਆ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਕਾ ਟੋਪ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਪੇਟੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਖੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਗੜੀ ਫੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੈਸਾ ਜਵਾਬ ਪੜੇ ਔਰ ਕੈਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰੋ ਬਖਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ
بات یاد آ گئی، توجہ کرنا ذرا میں کیا کہوں گا. بابا بنا چڑھنیا گھوڑی سمنی رات بن امباری رہ تیگ بنا سو سننا مرے گا بن تیگ بنا سو کے چیز سننی ہے دنیا میں اور دیکھے بجلی بنا گٹا سننی اور بجلی بنا گٹا سننی اور بگل کا دود رہے سے یا تو رانی بن سننی دھرتی ہو بر سے تموج رہے اور چاند بنا ماوس کی آتے وہ سننی نتر رہے سے کوڑی رفل ناری بنا ساری سننی فوج ہے کوڑی رفل ناری بنا ارے فوج بنا راجا سننا ارے فوج بنا راجا سننا ارے راجا بن پرجا ساری دیگ بنا سورا سننا بابا اور کی سننا ہوا اور دیکھے آنکھا بنا تمسا رہ سننا آنکھا بنا تمسا سننا اور دنتا بنا جبانا رہے بنا گھوڑائی طاقت سننی رہ پہلوان بن کھاڑا رہ بنا گھوڑائی طاقت سننی پہلوان بن کھاڑا اور گات سدے بن یو سادھو سننا اور مندرا بن کن پالا رہ بل لکڑی کے کھاتی سننا ربیٹے بنا کھوارا رہ اور بل لکڑی کے بابا دکھ بنا دکھ بنا سننا اور دوا بنا ر بابا دیکھے بن رکھوالیا کھیتی سننی ارے کھیتی بنا سمانا رے ارے میرے بنا رشتے داری سننی آدر بنا ٹھکانا میرے بنا رشتے داری سننی آدر بنا ٹھکانا سننا اور کولو بن گڑ گوئی رے بنا باغ کے بورا سننا ر پھول بنا خوشبوئی بنا باغ کے بورا سننا پھول بنا خوشبوئی ار بابا سسو بنا ساسرا سننا ساسرا سننا جمائی کی ساس جی ان دس سسرال بھی سننی ہے جو لاڈ سسو کرے گی دوسری نہیں کر سکتی ار سسو بنا ساسرا سننا اور ساڑا بنا ار بنا بیٹ کے بمن سننا چونکے بنا رسوئی ارے بابا کھیر کھان بن سننی ہوتے نون بنا سرکاری ارے گوڑا کھیتی سننی اور کھیتی بنا سمانا بابا میرے بنا رشتے
داری سنی آدر بنا ٹھکانا میں ہر میرے بنا رشتے داری سنی رے آدر بنا ٹھکانا دیکھے میں بنا اور بنا پولیس کے گر ہیرا لال کے ساج باج بھی رہندا سننا گر ہیرا لال کے ساج باج بھی سننا اور بابا گن بن سنگی سننا اسے گن بن سنگی سننا اور یو لوٹیا بن بنوانی بنا سورا سنا مرد بھی سنی بڑھا گیا ارے رب راؤ
بخت کرے نرکی کرے بخت بندے کے ہاتھ میں تو اپنا بخت آپ بنا لے اور بخت آ لگا بلے کا اللہ بنا رکھا ہے شہید صاحب کا لاکھ سوا بیٹھے کی لاکھ 1100 روپے سعید کے اس بات کا اللہ چونے بھاگ کرے میں بھی بیٹھے کی بالی لاز رکھا ہے بڑی گیا سرداری اللہ بنا رکھا ہے بابا آیا پتا نے کہا کہ او بڈھا بھائی سردارو کرم لکھا کرتا نہیں کر لو چترائی آیا اگلی فتح سنگھ موڑیا دریائی مورے تا مورا مل گیا بھائی سردارو کھچکی اڑکائی بڈھا غصے میں جوش میں آ گیا ہری سنگھ ہاڈا بس تلوار جو جب پتے کے پر بائی آخری وہ بھی بیٹا راجپوت کا تھا جوگا جیت کا بیٹا تلوار روک گیا اور تلوار روک کے پتے کا کھڑا تھا بھائی سردارو بڈھے کی کارگر نہ آئی پہلا وار کھلی گیا 17 وار کر گیا رب رکھے سوالی ادا گھن 17 کر دیے 17 کے 17 پتے نے وار کھلی کر دی اور جب 17 وار تلوار کے اوپر دریا اور تلوار کے منہ نکل کر کہنے لگا اگڑی او بڈھے مان گیا تھا عورت کا بیپاری ہے لیکن میں نے ایک بات بتا کسی استاد کا چنگیا ہوا ہے کہ تنے میرے اتنے جوان مارے جب آر خان کا بھاگ بیسی کی صوبہ میں پھر بیٹھے کی مانی لاز رکھے اسلام پور کی صوبہ بابا جس وقت دیکھا کہ میرے کتنے جوان ایک کر کر لڑیا مارے لیکن میرے دل نے انصاف کو نہیں کریا 17 بار کر گیا میرے تک ٹائم کو نہیں دیا بڈھا بولیا واقعی میں نے تک ٹائم نہیں دیا آ چلا وار 17 وار کر گیا رب رکھے سائیں آیا پھتے نہ جیت کھینچی مصری مانتا ہے بھائی بڈھے کا باہی بڈھے کا ماری کاج ہے اس طرح لیا جس طرح سردارو ڈاڑا ٹوٹ جائے گا درخت کا بڈھا گھوڑے تک ٹول دے چلے آیا پڑاک سکر کا کر دھرتی پہ پڑا ہاں گھوڑے تے نیچے گر گیا بھائی سردارو نہ سدی آئی دیکھے سس بدری ڈولے میں نینا ڈبسائی جو اتھر ماریو بڈھا منا جنگل میں چھوڑ کے کی جاگا بڈھا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا بیٹی میرا آخری سلام لے لے منا اوری تک طرح پرن پگا دا پگا دیا میری آنکھ میچی تری گلی جو ہوگا میں اس کا ذمہ دار کونی چھکرے دیرن مرن بابا میرے پتر داغ برا اور رجن کی مر جا گھر کی استری بنا لکڑیاں میں جل جائیں چار بم کا چھتنا اور گھر سر کی خاندانی لگائی مر جائے چاہ تھا وہ بھی آدمی بنا لکڑیاں جڑا کرے ہائے ہائے سرداروں بڈھا کہہ رہا بابا میں نے چھوڑ کے کی جا کے بیٹی آخری سلام لے پھتا پسینہ ماتھے کا پنجا
कि बुड्ढे ने बड़ा ना पानी पियाया कि ठगदा भी डोले पर लूट कर दे अक नहीं रहे जी जो बुढ़ा इतनी देर डटिया तो एक सौदागर और बाकी ओ खड़े डोले जो ओ कौन था नाई करामदा अरे नाई के तैके करेगा मर गया मेरा बाबा नरी सिंह बोला के रानी मेरी बात सुन ले राजपूत का नमक खाया जयमल महाराज का नमक हलाल करूंगा हराम नहीं करता मेरे मैं मर जू फिर खुदकशी कर लिए जिस भगत नाई ने एक हाथ में पकड़ी तलवार एक हाथ में ली कटारी गोड़े बच्चे दिया और बढ़ गया लश्कर में जिस भगत लश्कर में बढ़ा और देखा अगड़िया ने पत्ता बोल रहा अंच, भाई अंचल के हाँ अब बुढ़ा तो एक था एक जवान की लड़ाई लड़ा तो एक छोटना तो बड्डे से चुका बोला भाई बुढ़ा मारा तन है इसका मुकाबला मैं करूंगा अंचल छोटा रे अंचल रे रावा दे गए बाबा कदे तो रनाई राम डकराली काछी नाई के राम बाबा का दिल से करके अंदर हो जा और बड़ा खेल खलासी और लश्कर के अंदर और नाई जदर लो था के ऊपर वो गेर लो फैसोड़े जावर लाची बाबा जी दे अंचल कमर जदे बोलदार हाथ लेकर जा बाबा नाई का बोइया से तोड़ दिया और अंचल नाई के रामदास ने डकरा लिया कच्ची लश्कर में जा बड़ा बड़ा खेल खलासी लुत्था ऊपर पड़े लोच रह सुन जा वी अल्लाह सही साहब का लाज सभा बैठे की लाज अल्लाह भाग बने रखे 1200 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह जोड़ी पार कर अल्लाह सेरे मुबारक कर बाबा अंचल कमर ने हाथ वाली तलवार और पकड़िया अल्लाह बनाए रखे बल्लू खां का भाग अजरीश खां का भाग बना रहा है ताजी खां का भाग बना रहा है 1500 दिए पहले और 1000 रुपए हो 250 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के ढाई हजार अल्लाह भाग बने रखे कोलावास की शोभा महफिल बैठे की बानी लाज रखे बल्लू खां का भाग बने रहे बाबा अजरीश का और बाबा ताजे का परिवार बना रहे महफिल बैठे की माली तेरी लाज रखे इस वक्त चौक करे इस्लामपुर की शोभा
सरदारो नहीं मर दिया दोनों की लाश डोले पर पड़े रह गए, डोले शून्य हो गए। हाय हाय फत्ते ने कहा कि राजपुतो और जो से राम कांडे पड़े तो वो खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह बोलो डोलो लुटते अगली राजपूत बोलेगी महाराज बात यह है डोले अगर तेरे बस का नहीं है तो हमें हुक्म दे हम इस रणरे बार पकड़ कर खंज जाए। बोलेगी नहीं मैं जाऊंगा। आहा सरदारो नाई ने हरि सिंह ने मार के फत्ता डोले के ऊपर आया और आके डोले पर कहने लगा डोले वाली और डोले वाली देख जिनके ऊपर गुमान और गमंड कर रही थी वहां पड़ी रानी टस टस करके रोई। बरबाबा उस डोले के पर्दे के ने देखा फत्ते का लिबास फत्ते की वर्दी फत्ते का कठोरा फत्ते का चेहरा और उसकी देख का बाबा उस जमाने में जितनी कौम होया कर दी उनके परावे अलहदा होया कर दी पिछाए जाया कर दिया कि ये किस कौम का है। उस वक्त उस जमाने में राजपूत का पहनावा और था उस परावे ने देख के उस वर्दी ने देख के अंदाजा लाया इस बदली ने अति युग डठोरे तो लग रहा है कोई राजपूत हो फिर दिल में शकी उजावे अग जे राजपूत हुंदा तो ऐसी हरकत ना करदा पराया डोला ना तकदा। हाय हाय इतने भक्त ने कहा डोले वाली बात सुन मेरी आहा वो पड़ी लाश डोले पा के बोला मेरी बात सुन ले रो के सिसवदनी डोले में पुकारे और क्या जवाब करे और क्या फट्टा सुना रे भाई मार गई रूप दिखा कर गोरी अदर है निराली जिसकी मट के मार गई ओ गुमट का पल्ला रखाया हो गया बेताब में तेरा भरी दुलाई मरी नैन की जान रही लगा तू है बड़ी दुनाई रे मारी नैन की जान रही नगा तुम्हें छबक दिखाते चाल पड़ी छबक दिखाते चाल पड़ी फिर पौधे पर की पौड़ी मार गई रे मार गई मुकुट दिखा कर गोरी अदर निराली जुती मटके चिपोरी फोरी रे मार गई मार गई। सुनती रे सुनती जाइए इश्क बराओ अफसाना मेरा तलब 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 कर मन लाग रहा हो गया दीवाना तेरा तलब तलब कर मन लाग रहा हो गया दीवाना तेरा मर्दे ने पानी पिया जा एरो मर्दे ने मर्दे ने बोली मर्दे ने पानी पिया जा आके निकोली निकोली मार गई मार गई रूप सिखा कजोरी अगर निराली जुती मट के जिपोरी पोरी मार गई धोखे की नारी औरत वीर बड़ी होशियार हो से करश के अगे थाना अदालत गवर्नमेंट लाचार हो से इसके अगे अदालत गवर्नमेंट लाचार हो से ऊपर ते मिट्टी ऊपर ते एवं मिट्टी हो से बौली ऊपर से और मिट्टी हो से भीतर कड़वी होगी
सोरी सोरी मर गई मर गई रूप दिखाते गोरी अगर निराली जिसकी मट गए पिपोरी तोरी बसीर जोगी बेमारी ने बिगाड़ दिया ढंग मेरा राजा बशीर क्या बशीर जोगी इस बीमारी ने बिगाड़ दिया ढंग मेरा सलीनी के बाल ने अच्छी रोड़ी रे गाम से यू जंग मेरा सलीनी बाल ने खूब रोड़ी गाम से यू जंग मेरा तीन साल के बाद मने तीन साल के बाद मने फिर गाँव की चाली लटोरी हजार है निहारी मत के पिसोरी छोरी मार गई रूप दिखाता गोरी अगर निराली जिसकी मट के थी बारह सौ पहले सौ 1300 रुपए अदूला के शेरे के नाम के अल्लाह भाग बने रखे मैं भी बैठे की मानी लाल रखा है भीड़ पड़े मैं बोलती जयमल की रानी अरे मेरे डोले तो हो जा परे ने मैं ना गण कटखानी अरे मैं बिछड़ी खून डाकत है मैं रोवो मिर्गानी अरे दिखे मने कोई तू छतरी हो कर सील तो डूबे भी नहीं अरे मैंने तेरा शान तेरा चेहरा तेरा मोहरा जो कह रहा अब तक राजपूत का बिंद है
अगर राजपूत है तो डूब के मर जा, हाय हाय हाय, छतरी होकर तहसील डूबे बिन पानी, अरे पराए डोले जो ले गए उनके हशर खराब हो। डोला लिया रावण ने अड़ी सीता रानी, जिसकी छन में लंका दई फोक थाई दुम्मा दानी दानी, हाय हाय, लंका में आग लग गई, उसका सत्यानाश हो गया। और बात सुन ले मेरी, मेरा बालम गया शिकार है जिसकी मैं रानी, सुन ले खबरदार, पीछे नट का बात करिए, बात करी सरदारो पीछे हटिया, जिब ये कहा कि छतरी हो कहते तहसील डूबे बिन पानी। ओ भाई बड़े कसुत्ता बोल कया के कया कि नू कह के डूब का मर जा, अगर राजपूत का बिंड है। बोले भाई कया तो वाकई में इन्हें पिछा लिया कि हम राजपूत है। बोले कि नहीं पहचान को नहीं कर सकती। बोले फिर हाथ देख के बार कर, दोनों भाई जिस वक्त बतलाए और आवर में बात करें राजपूत कोई चारा नहीं। बोले के बात सुन ले मेरी कि है कोई सामने पे नजर आया कि एक डोड़ा के लिए कौन सा के भिक्कू चारण, भिक्कू चारण बुलाया, भिक्कू चारण से कह रहे चारण है हाथ का इशारा बीरज कौर ब्राह्मण जी ने दिया कि उरा आ, पाठ की खो में पड़े बाट दूर से अंगड़ी लावा के मैं नहीं आंदा। बाट ने सोची जितने जागा तेरा काम तमाम हो जाएगा, न मैं नहीं आंदा। हा कह के रे बाट के मारे भीड़ पड़ी है आ, बोलो बाट ने सोची कर जैमल के डोले पे भीड़ पड़ी हुई है, अगर आज नमक खाया चल अगर तेरे को परवार करेगा कह दिए मैं बाट हूँ, कदी पहाड़ी से नीचे कदी पहाड़ी डोले पर आके भाट बोलिया ये बांधी के बात है। रण की हिड़की बंदरी कह लगे रे भाट के तय मेरे महाराज का भाट है, देखो पड़ी मेरे बुढ़े की लाश और रामदास की लाश, ये तेरा गजोड़ू हाथ मेरे बरताज ने मेरे सरताज ने बेटे वीरम जीत के ने बीजा बनी मित्र ढूंढ के लिया। रानी बीजा बनी बहुत लंबी चौड़ी है, शेर लग गए मेरे बस का रोग नहीं। बोला बात सुन, आज अगर नमक हरामी दिखावेगा तो दिखे बाट के तो बाट तो ना होया थे नमक हराम निकलेगा। बोला रानी बात सुन, रामदास मर गया हरी सिंह मर गया, पर बात नू है कि अगर मैंने मिल जाए जैमल जीड़ी में, बोले के ये ले अल्फाज जो मैंने पर्चे पर लिख दिए ये उसने पढ़ के सुना दिए, तेरे याद को नहीं रहने का मुंह जबान नहीं, मैंने लिख दिया और जाके जो पैगाम दे दी। भाट ने बाबा कह लिया यो मेरा टट्टू घोड़ा मरे ऐसा है, जो मैंने जल्दी पूछा हुआ तो मैंने आडे हरी सिंह का घोड़ा दे दिया। बुढ़ा सरदारो उस घोड़े पे किसी ने सवारी नहीं की थी सवाए आडे के, लेकिन ओ बाबा खड़ा मायूस घोड़ा हन्ने पैर काप के सवार होया और पड़के घेरे ते बार पड़म पड़म करके भाट जीड़ी में जिस वक्त बढ़िया आज मील अंदर चले गया कोई आवाज नहीं आई, अग होर बजा फिर बिनक आई हकानू नहीं पड़ा जैमल बस जब डेढ़ लग गया बाट ने सोच रही राजपूत भी के जाने गए हमें घोड़े की सवारी जाना दूसरा जानता कोनी दिखा दे झटका, वो तो गाड़े का घोड़ा था मारी हेड छिन्ना धरती में लाग लाग के जा घोड़े का। हाँ हाँ चारों भाई बैठे चंपड़ खेल रहे जिस वगैरह लग गए पौड़ धरती पे पौड़ घोड़े का लग गया और जैमल ने देखा अरब आरब बाट का बहुत पक्का सवार है। हाँ हाँ इस तरह बोल रहा फिर बाट भी तो यो मारा है क्यों ना सवारी कर रहा ऐसी रोक रहा बाट के घोड़ा थोड़े की बात सलाम करी ठाकर जी जोहार तेरे जोहार तेरे मात पिता ने जोहार सुनाओ रलकारा तीन अगला दे भाटे किधर से आया अगर महाराज मैं डोड़ो पे आया सुना डोड़ो का हाल ये बिल्कुल ठीक फिर क्यों होया अब चतौड़ में बेरा लग गया डोड़ो में बैठ बैठ के राजपूतनी आ रही है गले मिल रही है और हाडे ऋषि का प्लिंग बिछ गया कमरे में और बरबर में पड़े आना ही मुट्ठी भरने लग रहा तेरी अकल ठिकाना है बाट के पड़े हुए भी मुट्ठी भर रहे बाट ने सोची जैसे मैं बता दिया ये बांट देंगे
और यह जो खास पीने की बोतल खुल रही है इतना को नहीं थे मार ले हाथ टक्कर लगी दिमाग में आंख में आई सुर्खी भाट के बोले और डोड़ोगा अलबुझ जाए क्या ले पूछ पे क्या पकड़ के क्या बात कुक है और क्या जैमल कर रहा है भाई के और मानस की तकदीर शीस पे साज तलग दरवाजे और यहोनी पर ओ सरदराना के के करवाजे ओ मानस की तकदीर शीस पे साज तलग दरवाजे यहोनी पर ओ सरदराना के करवाजे रहोनी जगत में हो मन खातर होनी होने न होई ओ होनी के बल चले दुनिया बचपन इस्ते कोई रहोनी के बल कटे खेती होनी के बल बोई है होनी के बल जगे किस्मत होनी के बल सोई और बरे खेत में आग लाग जाए ओ बरे खेत में आग लाग जाए यो होनी नाश करा दे रहे होनी अंडे गरगर के माँ गरगर इसका बसा ये बाजे करू मैं रंग जमाल गाल बैठ जाए पासा और काटे तभी कड़सी को ना खूब दिखावे तमसा ये खंदे पिंदे घर के माँ टुकड़े कभी कर दे सासा और जर जर होनी भीख मंगा दे ओ जर जर होनी भीख मंगा बंगी की तैल करा दे ओ कैं बसीर ओ कदम कदम पे साध रहे से होनी चाल रह गए ईसोनी के डंगराले अजब दिखावे या खेल और अगर बैठे न आन सतावे होनी ले जा जेले मेरे भर बरस के बिछड़े पिया का होनी कर दे रमे और देश वतनी घर गाम छुटा दे ओ देश वतन घर गाम छुटा दे मंगी किसान करा दे बसीर किसु होनी न बड़े बड़े घर गल और बसी बसाई या दुनिया उजड़ी छोड़ वतन घर चल रहे घर कर लिया नाम मिटाओ होनी ने भेड़ दिए ताए रजो होनी से हो कर टलती नहीं से तारे तेरी तेरी बीमारी का या ओ बसी तेरी बीमारी का होनी इलाज करा दे होनी पर दीपू चाल सुनता जैवल के पास
क्या क्या है अरबी कूरे मलिके रहता करते तो कैसी चंपड़े खेलदा और तेरी पीटी की सारे आज तेरा हरी रे सिंह तेरा मैं मर गए टोड़ा के पास इतनी सुन कह जैमला अरनर हो गया उदास रवि आज तक चौपड़ की बाजी तेरी लगी हुई सही साहब का हाथ सब बैठे गिलास अल्लाह बनाए रखे 1400 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह भाग बनाए रखा है अल्लाह बनाए रखा है जाट की तरफ है मुंह से जाट की तरफ है 200 रुपए अल्लाह भाग बनाए रखा है मैं फिर बैठेगी लाल इस बात तक चौक में भाग करे अल्लाह बनाए रखा है कप्तान साहब का भाग रियासत साहब के अल्लाह बेटे के सेरे मुबारक कर जोड़ी पार थर है 1900 रुपया दूल्हा के सेरे के नाम का अल्लाह भाग बना रखे नवीन राणा साहब की तरफ का 100 रुपए दूल्हा के सेरे के नाम के अल्लाह भाग बना रखे नेक मोहम्मद खान का भाग गढ़ी गांव की शोभा 400 रुपए नेक मोहम्मद खान की तरफ से अल्लाह भाग बना रखे मैं फिर बैठेगी लाज अल्लाह सलामत रखे बिकू चार खूबता जैमल के पास कैसी बाजी खेल रहा तेरी पिटकी साग हरि सिंह और रामदास मरे डोलिया पास अरे तेरी सिसबंदनी रानी लुट रही लुट है कच्चा और रस्ते गुंडे लुटन लग रहे और कुछ करते ऐसी रानी फिर ना मिले बहुते गर्बाद राजपुतों में फिरिए तने ऐसी रानी नहीं मिलेगी जैसी सिख बदनी अल्लाह के जिनने दुबगले दे दिए पासने खाई गरज गुबार बट डोलो पर आया बेटा बैरम जीत का देखा ललकार बाबा छोड़ दिए शेरा के पिंजरे और छोड़ दिए कटकर हर मारी ठोकर पहुंच बरसार कर 500 जवान जीड़ी तो उठे और डोड़ के कानी बचगी दौड़ परदम 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 करते हुए जिस वक्त लश्कर एक टिब्बे के ऊपर चढ़िया और अगली राजपूतों ने देखा कि लश्कर है बोले रहे हत्ते ने कहा कि सुनो डोड़ों का ध्यान छोड़ दो और ये डोड़े खाली नहीं ये डोड़े सुनने को नहीं इन डोड़े के साथ लश्कर है अड्डोला करनी चले अरे ललकार वारी रस्ते के लूटने वाले डाकू भी बाबा बड्डोलों का ध्यान छोड़ दिया और पोजीशन ले ली अगड़िया ने के मुकाबले करो जैमल जोड़े के ऊपर आया हत्ते का और जैमल का सरदारो मुख भेड़ हो और क्या आके बोल बने और क्या आके सरदारो दोनों में मुख भूमि के भाइयों का सलवार बजाय रहा भाई और श्री भाई Thank you.
ਚਾਲੇ ਕਰ ਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਪਾ ਆ ਜਾ ਜੈ ਮਲਾ ਹੈ ਭਰ ਘਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੈਵਲ ਆ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਅਗੜੀ ਫੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਬਾਜੀ ਆਰ ਮੁਖਵੇੜ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਹੋਏ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਲੜਕਾ ਜੈਮਲਾ ਬਾਂਕਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨਕੀ ਮਿਸਰੀ ਬਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਦ ਖਿਚਕੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੁਲਾ ਕੇ ਸੇਰੇ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਅੱਲਾ ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਆਹ ਸਰਦਾਰੋ ਇੱਕ ਪੇ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪੇ ਚਰਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗੇ ਆਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਰੇ ਫੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਮਾਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਰਕੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬੇ ਅੱਛੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੌਦਾਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਰ ਇਨਕੇ ਗੇਲੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਡੋਲੇ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੇ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪੇ ਚਰਚਰ ਜੋ ਪੜੇ ਬਾਬਾ ਆਰ ਫੱਤੇ ਕਾ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈਮਲ ਕਾਨੀ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਪੱਕਾ ਬੋਲੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਬਚਾ ਲਿਓ ਰਾਜਪੂਤ ਅਗੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਚੀਜਾਂਗੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਬਾਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਦਾਰੋ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਈ ਕਾਰੀ ਫੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਮਲ ਨੇ ਜੀ ਬਗਰ ਡਡੇ ਨੇ ਜੈਮਲ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਨੇ ਬੁਖਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਬਚਾ ਲੋ ਭਾਈ ਟੋੜੇ ਕੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੈਮਲ ਨਿਕੜਿਆ ਰਾਣੀ ਨੀ ਬੋਲੀ ਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਗਮਗੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੌਣ ਕੇ ਦੇਵਰ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿ ਲਗਾ ਡੋਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਇਕੱਠਾ ਦੇਵਰ ਈਸ਼ਰੇ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਬੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਡਾਕੂ ਬੇਤਦਾਦ ਹੈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਾਜਣ ਕੀ ਲੋੜ ਕੋਨੀ ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਪਕੜ ਕਰ ਇਸ ਡਾਕੂ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੀਓ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਬਾਜਣ ਕੀ ਲੋੜ ਕੋਨੀ ਸਰਦਾਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਡੋਲਾ ਲਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰੋ ਕਹੇ ਫਿਰ ਸਿਸ ਬਦਨੀ ਰਾਣੀ ਬੋਲਗੀ ਔਰ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਦੇਵਰ ਥਾਰੀ ਜਨਸੀਆ ਮਰ ਜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਲੇ ਕੁਮਾਰੀ Oh,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਲੇ ਪਕੜ ਤੇਰੀਓ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਇਤਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹੀ ਸਰਦਮ ਤਾਰੀ ਉਹ ਦੇਵਰ ਆ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਓਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜੋ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਿਸਬਦਨੀ ਰਾਣੀ ਬੋਲਤੀ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰੀ ਜਲਤੀ ਮਰਜਾ ਥਾਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵਾ ਮਾਂ ਤੁਮਾਰੀ ਉਹ ਥਰ ਤੇ ਗੁੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਜਣੀਆਂ ਜਕ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੱਡਾ ਕੁੱਤਰ ਦੇ ਮਿਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਥਾਰੀ ਬਾਜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੀ ਨੇ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ ਓ ਬਾਈ ਜੈਮਲ ਬਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁੱਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੁਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਚੂੜੀ ਪੈਰ ਲਿਓ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਜੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਡੱਕੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਜੈਮਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾੜ ਕਰ ਗਿਆ ਬੋਲੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਗਾਮ ਕੌਣ ਸਾ ਜੋਧਪੁਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਮ ਵਸਾਇਆ ਮੰਮੇ ਕਾ ਮਾਮੇ ਕਾ ਗਾਮ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਆ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ ਮੇੜਤਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਆ ਉਲਟੇ ਗਏ ਮਾਮੇ ਕੇ ਗਾਮ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜਵਾਬ ਔਰ ਚਿੱਤੌੜ ਕਰਾ ਦਿਆ ਬਤਾ ਚਿੱਤੌੜ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੋਨੀ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਯੂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਭਾਗਣ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਮਰ ਜਾ ਬਾਈ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰਦਾਰ ਇਬਨਾ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਫੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਜੈਮਲ ਦੋਨੋਂ ਟਕਰਾਏ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਿ ਫੱਤੇ ਕਾ ਭਾਈ ਅੰਚਲ ਦਾਸ ਔਰ ਜੈਮਲ ਕਾ ਭਾਈ ਈਸਰ ਲੜਾਈ ਗਮਸਾਨ ਕੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਈਸਰ ਕਾ ਔਰ ਫੱਤੇ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਚਲ ਦਾਸ ਕਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੂਤੇ ਲਾਗੀ ਓ ਬੀਸਰੀ ਤੇਰੇ ਜੀ ਗਿਰੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਮਿਸਰੀ ਚਮਕੇ ਰੇ ਕਹਿਰਾ ਰੇ ਚਲੇ ਕਾਮਰ ਰਜੇ ਆਜੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅੰਚਲ ਕਮਰ ਜਦਬਾਵੜਿਆ ਕਾਮਰ ਰਹਿ
ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦੇਈ ਸਰੇ ਕਮਰ ਨੈ ਕਲਕਾਰ ਸੋਣਾ ਸਰ ਕਮਰ ਨਰਿਆਣ ਕੈ ਲਲਕਾਰ ਮਰਦੋ ਜਾਦੇ ਸਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਰੇ ਅੰਚਲੇ ਦਈ ਤਨ ਬਾਬਾ ਕਹ ਜੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਫਤਰ ਸਿੰਘ ਨਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਭਾਗ ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾ ਭਾਗ 2100 ਰੁਪਏ ਦੁਲਹਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਅੱਲਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜੋੜੀ ਪਾਰ ਤਰ ਸਿਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਆਹਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋਸ਼ਮਾ ਆਇਆ ਫਤਿਹ ਕਾ ਭਾਈ ਅੰਚਲ ਦਾਸ ਔਰ ਜੋਸ਼ਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜੈਮਲ ਕਾ ਭਾਈ ਭਾਬੀ ਕਾ ਬੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਟਕਰਾਏ ਆਹਾ ਸਰਦਾਰ ਵਹੀ ਖੂਨ ਕੀ ਰਕਮ ਹੈ ਵਹੀ ਖੂਨ ਕੀ ਰਕਮ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਲਈ ਕੱਟ ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ ਚਤਰਾਈ ਬਈ ਜਿਨਕੀ ਮਿਸਰੀ ਬਾਜੀ ਕਰਾ ਕਹਿਣ ਜੈਸੇ ਛੁੱਟੇ ਹਵਾਈ ਬਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅੰਚਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਚਲ ਕਮਰ ਰਜਪੂਤ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਆਹਾ ਈਸਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਕਾ ਵਾਰ ਦਿਆ ਈਸਰ ਨੇ ਵਾਰ ਉੱਟਿਆ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜੈਮਲ ਕਾ ਭਾਈ ਈਸਰ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਚਲ ਦਾਸ ਬਾਈ ਕਦਮ ਕੇ ਫਾਸਲੇ ਬਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭਰਿਆ ਲੱਟੂ ਕੀ ਤਰੀਆਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਔਰ ਧੜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਰਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਅਗੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਾ ਭਾਈ ਅੰਚਲ ਦਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੱਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪੜਿਆ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਗੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਗੇਰੀ ਬਾਬਾ ਲੜਾ ਫੱਟਾ ਬੋਲਿਆ ਰਾ ਭਾਈ ਕੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਠਾ ਲਿਓ ਦਲ ਕੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਪਏ ਅਗਲੀ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਠਾਣਾ ਉਸਾਣੇ ਕੋਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਪੈੜ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਠਾਲੇ ਸਰਦਾਰੋ ਫੱਤੇ ਕਾ ਉਸਾਨ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਾ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਗੜੀ ਸਿਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਤਲ ਜਲੀ ਵਰਦੀ ਫਟ ਗਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਦਾੜੀ ਪੇ ਮੁੱਛਾ ਪੇ ਬਾਹਾਂ ਮੈਂ ਡਟ ਗਈ ਭਾਈ ਕੇ ਗਮ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰਦਾਰੋ ਅਗਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁਛ ਚੰਦ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਯਾਰੋ ਯਾ ਇਸ ਢਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੇਜੇ ਮੈਂ ਨੇਜਾ ਬਾਲੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਹਰ ਤੀਰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਲਗੜਿਆ ਔਰ ਇਸੀ ਦਲੇਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾ ਯੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ ਬੀਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਰ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਮਣ ਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲਾਲ ਖਪ ਗਏ ਔਰ ਖਪਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਤ ਸੁਣ ਫਤਿਹ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ
کہ یہ لڑائی دیکھ رہا کہ بالکل دیکھی کیسے دیداری کے ساتھ میں لڑ رہی ہے بیپاری کہ ہاں بالکل بولا اس بات پر غور کر اس ڈال کی لڑائی اس بار کی تلوار اس ڈال کا نیدے بازی راجپوت کر سکے پٹھان کر سکے مغل کر سکے یہ بیپاری لگائی کا بیچڑیاں کرے گا بابا جس وقت یہ بات دماغ میں آئی پتہ بولا کرے واہ رے راجپوت تو بہت اچھی عقل کی بات کری واقعی میں اس طریقے کی لڑائی تلوار بازی کے کرتب نہیں بیپاری دکھا سکتا یہ کوئی راج ہے اس میں بولا کس طرح پوچھے بولے جس طرح پوچھیں گے وہ سر میں ٹھوکے گا مہاراج پھر کہ بیر کے مہاراج جو ہے کہ یہ جو ڈوڑے ہیں کہ ان ڈوڑے کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہیں ان عورتوں سے پوچھ کہ تم کون ہو کدھر سے آئی کدھر جاؤ گی کہ تھارا نام پتا ہے بولے اچھا ٹھیک کہہ رہا بغل میں داب لیا سردارو پتے نے صافا اور مٹی دھول خاک سر میں رمی ہوئی اداس چہرہ پریشان اور ڈوڑے کے پاس آ کے سسوزنی کے بولیا او ڈوڑے والی اور پتے نے دیکھا ڈوڑے کے بچے رکھے ہوئے نے اور اندر سے سسوزنی نے آواز دی ارے ڈکو یہ اتنی دنیا کٹ گئی مر گئی تیری موت نہیں آئی ہاتھ جوڑ کے پتے نے کہا اے ڈوڑے والی میری سن لے بات تیرے آگے تو ہاتھ جوڑوں منے یہ بتا تم کون ہو کدھر سے آئی کدھر جاگی یہ لشکر کس کا یہ فوج کس کی جو یہ لڑ لگ رہے او میں صرف اتنی بات پوچھن آیا میں تیرے ڈوڑے کے ایک اونٹ تک نہیں لگاؤں اے ڈوڑے آئی سن لے میری بات میں تیرے ڈوڑے پر کوئی خدمت ایسی نہیں کروں گا صرف میں نے اتنا بتا دے کہ تیرا ہے کون جس وقت یہ بات ادھینگی کی اس کی سنی بولی میرے ڈاکو بات سن لے میری مارے ایک رواج ہے کیسا کہ ہم اپنے گھر والے کا نام نہیں لیں ہاں مجبوری ہے کہ منع نام لینا پڑے گا منع بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں اور میں کدھر تک آئی اور کہ میرا پتہ نشان ہے ہاں ہاں سردار کہ تو پتہ سنا ہے بھائی یہ پتہ سنا ہے اور کہ آ کے سردار رانی کہے اور کیسے پتے کے نکلے اور ٹھیک گاڑی سے بھائی دیسی سر بدی رانی رہے بول دی ار منہ ار جی سنائی گوت بڑا رے را ٹھوڑ کا میں لندی نہیں گوت بڑا رے را ٹھوڑ کا نام لندی اور ڈکو میں تو بیٹی آدھے رجے ارے راٹھوڑ کے بھائی بیٹی میں آدھے رجے میں راٹھوڑ کمارا گام گڑے جود پر کمبام آئی
गग जो कुमले आई डकुमन छोड़ा गड़ी के मारने रमन मेरे डरे गड़ी जो कुमार ने रे मेरे तारे बसाईया डकू हमने छोड़ा गड़े फेरे मेरा बागड़ आई उस सोहले सिंगे रजपूत ने अरे दिया जवाब सुनाई उस सोहले रजपूत ने अरे दिया जवाब सुनाई रजपूत ने ले जूंगी अगड़ी दूंगी खाने बाबा ते का चकी ला दिया कहने का कि बात सुन ले मेरी बाबा समझलता है हेलो ये मेरे इतने मर ले रे जवान कि तू कौन है बोली रे डाकू मारा एक रवाज है मैं अपने मालिक का नाम नहीं लेंगे जबार खान का भाग बैठे की शोभा मैं भी बैठे की लाज अल्लाह भाग बने रखे इस बात से अल्लाह चौने बात करे सरदार भी जैन के रानी ने कहा रानी सुषमती बोलती मुख अरज गुजारी अरे डाकू मारा गोत बड़ा राठौड़ का मैं नाम लेंदी नहीं मैं बेटी आडे राजपूत की राठौड़ा के ब्याई जैमल का गोत राठौड़ था और शिष्यबदनी आडों की बेटी थी हाडा गोत था वो गड़बुंदा की वो जोधपुर के कौन सरदार जैमल राठौड़ बल्ले गिरे मैं आडों की बेटी रोठाड़ा के मैं ब्याही और मेरे पति का नाम जैमल बेटा बिरमजीत का बेटी आडे राजपूत की राठौड़ा ब्याही और मेरे राठौड़ का गांव था गढ़ जोधपुर अरे मैं कुंभा में आई कह के जोधपुर छोड़ दी कुंभा में आया कुंभा में मम्मी के लिए फाक खेल लिया तो उस वक्त बात बिगड़ी जैमल की फाक के ऊपर फिर जैमल ने मेड़ता बसाया मेड़ता बसा के और फिर मेड़ते पे मर गया बुरे खां दिलदार खां फिर डर में आकर मैंने छोड़ दिया मेड़ता मैं मुसलमान पठान मर गए पगड़ी के पर और मैं मेड़ता छोड़कर कोई जगह न मिली मेरा महाराज फिर मम्मे के काम पहुंचा मम्मे तो पना मांगी कौनी दी जवाब दे दिया और नू कह दिया कि चित्तौड़ चले जा राणा उदय सिंह मेरा रिश्तेदार है उठे जाके पना ले लिया अरे डक्कू मैं तेरे ले जाऊंगी अगड़ी फत्ते पे तेरी तुम खाल खचाई इतनी सुनकर फत्ते की नर्दे थर रहा हिल गया नू ने कहा कि मैं फत्ता हूँ गया नहीं अक मैं फत्ता हूँ सदर गैरत में आ गया शर्मा गया और तेरा बेटा गरों को जब मामा माल दे धोखे की इतनी चाल और ऐसी बात दिखाई कि जुल्म कर दिए कि लिख कर भेज दिया अक एक सौदागर एक औरतों का व्यापारी आन लग रहा जुल्म चारे काट दिए बोले बस रानी आगे न कहिए बड़े जिंदा हुआ आकर जंगल में आवाज मारी रहे लड़ाई बंद करो बाबा कौन सुना था कैडा कैड हो रही एक पहाड़ी के ऊपर बैठा आया एक मानस रोक टाल के रहती और बिक्कू बाटने देखा
اگر چل لڑن دے مرن دے کٹن دے راجپوت نے تے چل گو اتا تو کبھی وہاں ساتھ میں اور چڑیا اور کہا وہ کون تھا جو ٹپی رہا پاڑی پہ بیٹھا جمل کا بھاٹ بھکو اور پھتے کا بھاٹ تھا گپ کل بھائی گوکل بات لگ رہا پیڑ اور جا کر بات نے کہی بھکو نے اور بھائی السلام علیکم نے دیکھا ارے بھکو تین کس طرح بولے میں تو بتاؤں گا تین پہاڑی پہ کیا کر رہا بولے بھائی پہاڑی پہ میں پتے مہاراج کی گلی کہ پتا کٹ ہے اب یہ کٹل لگ رہی مرن لگ رہی یہ پتا ہی ہے اور تیرا بیڑا گرک ہو جائے پھینک دے اکا یوں میرا مہاراج ہے جیمل او ہو یہ تو آپس میں مما پھپی کے بھائی لڑ مرے پھینک دی بابی اوکی اور بجے دونوں باتے دل میں کھڑے ہو کے باتے کیسے کلکی مارا ہے Yeah.
छाती ते लाई। जयमल बोलिया मैं आ गया रे तेरे आसन तन बली ओ भाई। बड़ी मेरा हरी रे सिंह मेरा राम दा सदिए मारे गवाई। सुन ले रे भाई हरी रे सिंह मेरा मारी गया रे सुन तन मारे बबजी देव चिट्ठी रे दोई माल दे की जट कार दिखाई। सदर भाट ने गंदे हाथ में लेकर और आकर ललकार मारी के बंद करो लड़ाई। शाबाश बाबा झंडे दौड़े देखकर भाट देखे अगड़ियों ने और कैमल के कहा के प्रिय राजपूतों ने ये भाट के कहे दोनों चांद फूकते दल के माही ये लड़ाई बंद करो क्यों खपाओ लाशिये को रांड लुगाई तय मम्मा यो बुआ का कोई दुश्मन न है। लपने रखे कप्तान साहब का भाग सवा बैठे गिलास खां की तरफ तय 2400 रूपए अल्लाह बेटे की जोड़ी पार तार अल्लाह सिरे मुबारक करे तबाग हम की शोभा बनी रहती है सरदार। हाय हाय बाबा जिस वक्त जो बोल के आ तय मम्मा यो बुआ का भाट के करया महाराज ये फक्का है। हाय हाय बाबा तू मम्मा यो बुआ का रे कोई दुश्मन नहीं क्यों खपाओ लाश ये क्यों करो रांड लुगाई जट घोड़े तक उतर गए वह पंचो भाई आया अगली फतेह सिंह लिया जैमल छत्ती लाई। हा जैमल रो पड़े रो के कह रहे फते ना आया तेरे आसरे तेरे भली ओढ़ न भाई मेरा हरि सिंह और मेरा रामदास ने दिए मार गवाई। इतनी सुनकर फते ने वह चिट्ठी काट चेब के मां से कड्डी फका की आंखों में पानी भरका आ गया। बोले देख पढ़िया धोई माल दे के लिखी हुई के एक सौदागर बच्चा डोले लग रहे हैरान। बोले भाई यो धोखा और यो क्या। बोले रे उच्चा दुश्मन ने तो मेरी जड़ पाड़ के फेंकी अरे मैं जोधपुर तक कड्डा मैं कुंभागढ़ तक कड्डा अरे मेरे से मैं पठान लड़वा दिए मैंने दहशत में आके मेरे तक छुप गया मन कोई आसरा मिला मम्मी ने जवाब दे दिया फते भाई मैं तेरे आसरे आया। बोले भाई जो कुछ होगी भूल जा अगर तेरे दुख मैंने नान मार दिए तो मैंने बेटा जोगा जीत का नहीं तब से तोड़ के बीच में दोनों के जिस वक्त क्रास हो गए मेल हुए। हा 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 सुनारो चुना दरिया के सारे पर कटिए कर दिए सोनी ने और पक्का कर कच्चा दर दिया किसी भाई भतीजे रात अंधेरी बिजली चमक गटा घूम कर आ रही थी खुन्नी दरिया चले जोर का बारिश में जोर दिखारी थी कच्चे घड़िए ने देखी गसोनी बहुत घनी घबरा रही थी। ओ एक जी आवे मैं उल्टी हटिया याद पिया की आरी थी मारी प्रीति सिवाई ना किसी प्रीति सिवाई ना किसी बीज बिगल के पता
سونی چناب کے اوپر آ کے گانا ٹھایا پٹ بسم اللہ ارے سونی لے او کچا گڑلا ٹھایا تھا او گڑوا رے میں پار منگا دے چھتی نیچے لایا تھا اور کچے کس میں پار لگا وے رم کھال نہ آیا تھا میرا کھنی دریا چلے جور کا بے دھر کے پیر ٹکا آیا تھا میرے مارے ساتھ میں دھوکا کریا کس کل کا بابا کچا گڑا تھا پانی کی جل نہ جھیل سکیا کھل گیا پیر جی بھنور میں پانی کے مارے ساتھ میں دھوکا کر کے درد تن کے چھا گیا وہ پاپی کچا گھڑوا تھا آج میری جان کپا گیا تھا ککروڑے سنی مائیے نے ککروڑے سنی مائیے نے ڈکن ڈرے پہ آ گیا اور بابا ڈوبتی دیکھی تھی سونی مائیا بھی چھال لگا گیا آتم اپنا گھیر لیے گھر بسے بسائے گھوڑی بھائی بچے بنوال کی پت چیری تھی بچی کھوا رکھی تھی پٹ چیر کے بس پروانا کری چھال ماری اور مہیوان نے چھال لگا کے لاس پکڑ لی ر پیاری آج میرے گاؤں میں کھائی رکھواڑی کیا کیسر کیاری چوٹ کسوتی ر لاگیا کر چوٹ کسوتی لاگیا کر دنیا میں عشق بیماری تھی ارے جس کا لاگی لگن پیا تھی جانا نہ سردار کی او تم تو دل دور چلے آیا کتر دل ہونی کلی کروا لو پکے بنا رکھی تین کوئی رشتے بات کو بات یا بڈا بنا رے جلی دینا جگ میں سو سو بیاہ کروا لے جوڑیا بنا تین رامپور سکتے بس بول پاکستان